सो चलिए वेलकम बैक अब आगे बढ़ते हैं अपन इन डे एस वन वन सिक्स के नेक्स्ट पॉइंट्स पर फिर से एक बार थोड़ा सा रिविजन हो जाए बिना देखे या फिर आपके पास जो नोट्स है उसके उसके बेसिस पर एक बार फिर से क्विक रिविजन हो जाए सबसे पहले हमने इन डे एस वन वन सिक्स को जब स्टार्ट किया तो हमने ये देखा पार्ट वन में कि उसका एप्लीकेबिलिटी और उसका स्कोप क्या है तो एप्लीकेबिलिटी की अगर बात करें तो एप्लीकेबल फ्रॉम द फाइनेंशियल है नाइनटीन ठीक है ना मतलब फर्स्ट अप्रैल टू के जो फाइनेंशियल स्टार्ट होगा वहां से लेकर ये एप्लीकेबल होना शुरू हो जाएगा ठीक है आ, उसके बाद दूसरा हमने देखा कि इसका स्कोप क्या है कौन 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 सी कौन सी सी लीज़ेस लीज़ेस ये ये कवर कवर नहीं नहीं करता करता तो स्पेसिफिकली पांच टाइप की को क्योंकि इंडिया 41 बैठा है ई e एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेस 106 जीरो सिक्स बैठा है एल लाइसेंस कौन सा लाइसेंस मूवीज वीडियो रिकॉर्डिंग्स क्योंकि इंडिया थर्टी एट कवर हो जाएगा वो एक राइट्स होते हैं वो इंटेंजिबल असेट्स कवर हो जाते हैं वहां इंडिया थर्टी एट में आई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो आपके कवर हो जाएंगे अगेन उसमें इंस्ट्रूमेंट uh, जनरेट होता है, तो uh, है इसीलिए वो यहा, यहां से लीजेस से हट गया ऑल ये पांच चीजें लीजेस हो सकती हैं बट इनका लीजेस इंडियस वन वन सिक्स के स्कोप से बाहर रखा गया है अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी पार्ट वन में कि दो चीजों पर डे वन वन सिक्स का एक्सम्शन दिया गया है दो चीजें लीजेस हैं बट आप चाहो तो उसको उसके ऊपर आप नॉर्मली कोई दूसरा स्टैंडर्ड अप्लाई कर लो या फिर नॉर्मली उसके ऊपर पी एंडल में चार्ज कर लो इनकम और एक्सपेंस ऐसी दो चीजें कौन सी हैं पहला शॉर्ट टर्म लीजेस और दूसरा लो वैल्यू लीजेस शॉर्ट टर्म लीजेस का मतलब क्या होता है जहां पर दो कंडीशन फुलफिल हो जाए पहला पीरियड लेस देन ट्वेल्व मंथ होना चाहिए पर और दूसरा प्लस रिन्यूअल पीरियड रिन्यूअल पीरियड हां रिन्यूअल पीरियड का जो ऑप्शन है इज नॉट इज नॉट एक्साइजेबल या इट इज नॉट रीजनेबली टू सर्टेन इट इज नॉट रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज दैट ऑप्शन अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती है कि मैं ऑप्शन को रीजनेबली सर्टन लग रहा है कि मैं रीजनेबली इसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा ऑप्शन अवेल नहीं करूंगा इसको रिन्यू करने का तो मैं इसको शॉर्ट टर्म लीजेस मान सकता हूं और शॉर्ट टर्म लीजेस मानूंगा तो ऐसे केस में कैसे अप्लाई नहीं करूंगा तो क्या करूंगा तो फिर मैं डायरेक्टली रीज रेंट को पेडल में चार्ज करता रहूंगा दूसरा कौन सा था लो वैल्यू लीजेस लो वैल्यू लीजेस में क्या था पहला असेट की वैल्यू लो होनी चाहिए असट इंडिपेंडेंटली यूज होनी चाहिए कुछ याद आ रहा है कि नहीं और तीसरा सबलीस पे असेट नहीं दी जानी चाहिए तीन पॉइंट कौन से असेट की वैल्यू लो होनी चाहिए अब असेट की वैल्यू लो होनी चाहिए वो कोई उसके लिए कोई उन्होंने क्वांटिफिकेशन नहीं दिया है उन्होंने बोला है मैनेजमेंट के जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है पर जनरली Uh, जैसे आप न्यू कार परचेज करते हो तो वो लो वैल्यू नहीं मानी जाती आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं न्यू कार को लो वैल्यू नहीं मानते तो जनरली यहां पर ऑफिस टैबलेट्स वगैरह हो गए मोबाइल फोन हो गए कंप्यूटर्स हो गए लैपटॉप हो गए ये लो वैल्यू असेट माने जाएंगे प्लस दूसरा क्या होना चाहिए ये इंडिपेंडेंटली यूज होनी चाहिए असेट मतलब ये असेट किसी और पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए नहीं तो फिर अगर वो किसी और पर डिपेंड हुई और वो जो दूसरी असेट है वो लेवल लो वैल्यू नहीं है तो ये टेक्निकली लो लो ओवरऑल वैल्यू असेट नहीं मानी जाएगी बात समझ में इंडिपेंडेंटली एक असेट यूजफुल होनी चाहिए किसी भी लेसी लेसर के लिए कस्टमर के लिए और तीसरा लेसी उसको सबलीज ना कर सके अगर लेसी उसको सबलीज कर रहा है तो फिर आप लो वैल्यू लीज का एग्जामेशन नहीं ले सकते ठीक है ये था पार्ट वन यहां तक क्लियर पार्ट टू क्या था डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लीज का क्योंकि के डेफिनेशन में ही बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको अपन ने अलग से डिफाइन करने की कोशिश की है लीज क्या है लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नाउ व्हेन वी से पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट मींस व्हाट कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लीज कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज नॉन लीज कॉम्पोनेंट आई मेरी बात समझ में सो लीज इज वॉट लीज एक कॉन्ट्रैक्ट है और एक पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है विच गि क्या राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ आइडेंटिफाइड असेट विच गिव किस को क्या देता है वो राइट टू कंट्रोल राइट टू कंट्रोल याद रहा है ना राइट टू कंट्रोल जैसे ही मैं बोलूं वो दो कंडीशन याद आनी चाहिए ठीक है ना पर वो बाद में विच गि राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ आइडेंटिफाइड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम अगेंस्ट कंसिडरेशन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम को अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया ठीक है ना हमने क्या क्या डिफाइन किया हमने डिफाइन किया कि भाई राइट टू कंट्रोल क्या होता है से राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ असैट तो एल एसी के पास कस्टमर के पास दो राइट्स होने चाहिए कौन से दो राइट होने चाहिए राइट टू ऑप्टेन सब्सटेंशियल इकोनॉमिक सेनॉमिक बेनिफिट नहीं देखना है आपको देखना है लीज टर्म जितना उसको दिया गया है उस टर्म में जितने भी इकोनॉमिक बेनिफिट हो सकते हैं जनरेट किए जा सकते हैं वो सब्सटेंशियल इलेसी को दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे और इसके लिए हमने देखा कि वो तभी माना जाएगा जब लेसी के पास एक्सक्लूसिव राइट्स होंगे यूज करने के कौन से राइट्स होंगे एक्सक्लूसिव राइट्स टू यूज होंगे तो ही लेसी जनरेट कर पाएगा सब्सटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स अपने लिए अगर लेसी के पास एक्सक्लूसिव यूज करने के राइट्स नहीं होंगे उस लीज टर्म में भी लेसर लेसी मिलकर यूज कर रहे हैं या दो से ज्यादा दो या दो से ज्यादा लेसी मिलकर यूज कर रहे हैं तो फिर माइट नॉट बी द एक्सक्लूसिव राइट्स में कि नहीं और एक्सक्लूसिव राइट नहीं होगा तो इकोनॉमिक के पास नहीं हो पाएंगे कितना साठ परसेंट सत्तर परसेंट अस्सी परसेंट बट माना जाता है कि मोर देन एटी नाइनटी परसेंट विल बी ट्रीटेड एज सब्सटेंशियल पार्ट ठीक है ना दूसरा क्या था राइट टू कंट्रोल में पहली डेफिनेशन पहला था राइट टू ऑप्टेन दल इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम यूज ऑफ अ और दूसरा राइट टू डायरेक्ट डायरेक्शन देना राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ अट मतलब क्या हाउ एंड फॉर वॉट पर्पज ये एक वर्ड इंपॉर्टेंट है क्या हाउ एंड फॉर वॉट डिफाइन किया था तो हमने देखा था कि क्या कस्टमर के डिजाइन के अकॉर्डिंग स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग असेट को बनाया गया दूसरा क्या ऑपरेटिंग राइट कस्टमर को दिए गए याद करो वो हमने कुछ केसेस भी देखे थे हाथ वो कार्गो शिप वगैरह उसके अकॉर्डिंग वो कहां ले जाएगा कैसे ले जाएगा वगैरह याद आ रहा है कि नहीं हाँ और कुछ प्रोटेक्टिव राइट्स अगर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है एग्जैक्टली सो राइट टू डायरेक्ट राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ असेट भी लेसी के पास एग्जिस्ट होना चाहिए दैट मीन्स लेसी शुड नो हाउ एंड फॉर वॉट पर्पज ही इज गोइंग टू यूज दैट अट अंडरस्टूड और नॉट लेसी शुड हैव

हमने बोला था 115 याद आ रहा है कि नहीं मतलब ये सिंपली एक सेल परचेज कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा सप्लाई अरेंजमेंट माना जाएगा हाँ तो हमने देखा था ना कि आ, ऐसे केस में पार्शियल राइट्स हैं तो हमने वही तो बोला कि स्पेसिफिकेशंस भी लेसी के अकॉर्डिंग है प्लस ऑपरेटिंग राइट्स बिल एस के अकॉर्डिंग है तभी तो माना जाएगा राइट टू डायरेक्ट द यूज है हमने उस क्वेश्चन में सप्लायर एच था और एंटिटी ए था तो हमने यही देखा हाँ सप्लायर एच को दिया है बिल्कुल तो हमने ये तो देखा था कि तो पार्शियल राइट्स हुए ना तभी तो, तो हमने बोला कि यहां पर नहीं माना जाएगा पार्शियल राइट्स फिर आउट ऑफ आउट ऑफ द होएगा ना नहीं 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 हो पाएगा ठीक है अच्छा फिर हमने क्या पढ़ा था फिर हमने पढ़ा था आइडेंटिफाइड आइडेंटिफाइड मतलब हमने क्या पढ़ा था जो लीज कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट में कौन सी असेट में लीज पे दे रहा हूं या तो वो स्पेसिफाइड होनी चाहिए कुछ याद आ रहा है एक्सप्लेसिटली स्पेसिफाइड मेरे पास चार कार हैं मैं अपना कार रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दे लिख के दे दूं मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट में कि मैं यही कार आपको दूंगा यही मॉडल नंबर दूंगा आई वाली बात समझ में कि नहीं या तो फिर क्या होने चाहिए इंप्लिसिटली स्पेसिफाइड मतलब इंप्लाइड होनी चाहिए दैट टू ये तो होना ही चाहिए प्लस क्या आपने पढ़ा था सप्लायर शुड नॉट हैव सब्सटेंशियल सब्सटेंशियल सप्लायर के पास नहीं होने चाहिए असेट को रिप्लेस करने के असेट को सब्सिट्यूट करने के सब्सटेंशियल राइट सप्लायर के पास अगर है भले तुम्हारी असेट आइडेंटिफाइड ही क्यों ना इडेंटिफाइड है पर वो खत्म हो गया ना उसका इंपॉर्टेंस क्योंकि सप्लायर तो सब्सटीट्यूट कर रहा है आइडेंटिफाइड है पर वो तो सब्सटीट्यूट कर रहा है तो इसका मतलब उसका आइडेंटिफाइड एसेट का इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गया तो ऐसे केस में भी माना जाएगा कि तुम्हारी एसेट आइडेंटिफाइड नहीं है जब चाहे तब सप्लायर की मर्जी वो रिप्लेस कर रहा है वो उसको ऑल्टरनेटिव तुम्हारा दूसरा दे रहा है ऐसे केस में माना जाएगा कि ये लीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता अब सप्लायर के पास सब्सटेंटिव सब्सटीट्यूशन राइट कब माने जाएंगे जब दो कंडीशन फुलफिल होंगी याद आ रहा है कि नहीं दो कंडीशन कौन सी सप्लायर के पास दो सप्लायर uh, के पास सब्सटेंटिव सब्सिट्यूशन राइट है ये कैसे प्रूव होगा ये प्रूव होगा अगर सप्लायर के पास इतनी प्रैक्टिकल एबिलिटी है टू सब्सटीट्यूट दैट असेट इतनी प्रैक्टिकल एबिलिटी है टू सब्सिट्यूट दैट असेट मतलब अदर देन अट ब्रेक डाउन असेट हेल ऑपरेशनल इम एफिशिय के अलावा भी वो कर पा रहा है मतलब इतनी कंडीशन है अकॉर्डिंग टू द जजमेंट अगर आपको देखना है अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट सप्लायर के पास क्या है प्रैक्टिकल एबिलिटी टू सब्सटीट्यूट और दूसरा सप्लायर ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको इकोनॉमिकली बेनिफिट हो रहा है और ये सब आपको किस टाइम पे देखना है इंसेप्शन ऑफ द लीज पे देखना है अगर इंसेप्शन ऑफ द लीज पर आपने सप्लायर के ये दो कैरेक्टरिस्टिक पहचान लिए कि यार सप्लायर जिस हिसाब से एग्रीमेंट बनाया गया उस हिसाब से तो सप्लायर जब चाहे तब इसको चेंज uh, करता रहेगा क्योंकि इससे तो सप्लायर का फायदा हो रहा है तो मतलब टेक्निकली ये माना जाएगा कि सप्लायर मस्ट द डे एंड कि अगर कुछ भी ऐसा स्पेसिफाइड नहीं है तो 116 कि हमेशा हमें प्रिज्यूम करके चलना है कि सप्लायर के पास सब्सटेंटिव राइट नहीं होंगे आई मेरी बात समझ में सो so ये था हमारा एक क्विक रिविजन अभी तक हमने जितना रीड किया अभी तक हमने जितना पढ़ा राइट right? आइडेंटिफाइड असेट के ऊपर हमें कुछ क्वेश्चन भी देखने बट पहले हम बची हुई एक आध कुछ और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख लेते हैं, तो हम फिर उसके बाद इकट्ठा क्वेश्चन पर चलेंगे ठीक है अब आते हैं पीरियड पे अब आते हैं पीरियड पे पीरियड पे।, पे क्यों वापस से डेफिनेशन बोलना डेफिनेशन बोले लीज का वॉट इज लीज लीज इज द कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच गिवट राइट टू कंट्रोल द यूज राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइड असट तो हमने राइट टू कंट्रोल पढ़ लिया आइडेंटिडेट पढ़ लिया मतलब क्या अड ऑफ टाइम मे बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ यूज कितनी प्यारी बात लिख दी इस बंदे ने भाई अमाउंट ऑफ यूज से उसने बोल दिया पीरियड को तुम टर्म से डिफाइन नहीं कर सकते कि पीरियड मतलब दो महीने पीरियड मतलब चार महीने नहीं 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 पीरियड मतलब अमाउंट ऑफ यूज मैंने तुम्हें यूज करने का राइट दिया ना मैंने तुम्हें बोल दिया कि तुम इस असेट को इतना यूज कर सकते हो अब इतना यूज करने के लिए जितना भी पीरियड लगेगा वो वो पीरियड ऑफ टाइम माना जाएगा अमाउंट ऑफ यूज से उसने जजमेंट किया है मतलब ऐसा नहीं कि पीरियड ऑफ टाइम मीन इट मस्ट बी मोर देन टेल्व मंथ्स इट मस्ट बी ट्वेंटी फोर मंथस इट मस्ट बी फाइव इस वगैरह वगैरह अगर तुम्हें थोड़ा सा आई पी सी सी डेज याद हो तुम्हारे इंटरमीडियट वाले डेज याद हो तो ए एस नाइनटीन लीजेस करके हुआ करता था लीजेस ए एस नाइनटीन करके हुआ करता था और उसमें बोला जाता था कि फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज दो 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 टाइप की लीज होती थी और फाइनेंस लीज को डिस्क्राइब करते थे अपन जहां पर मेजर इकोनॉमिक लाइफ कवर हो रही है अब यहां पर देखो उसने क्या बोल दिया कि यहां पर लाइफ से मतलब ही नहीं है यहां पर असट की लाइफ से मतलब ही नहीं है तेरे को मैंने असेट यूज करने के लिए दे दिया ना अब जैसे मैंने अपनी कार तेरे को यूज करने के लिए दे दिया नई नई कार लाया और मैंने तेरे को यूज करने के लिए दे दिया और मैंने बोला कि मैं आपको यह यूज करने के लिए दे रहा हूं अपटू ट्वेंटी थाउजेंड किलोमीटर इसका मतलब क्या हुआ जैसे ही तुम ट्वेंटी थाउजेंड किलोमीटर कंप्लीट कर लोगे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा ना ट्वेंटी थाउजेंड किलोमीटर यूज करने के लिए जो भी पीरियड लगता है जो भी टर्म लगता है दैट विल बी नोन एज पीरियड ऑफ टाइम अ पीरियड ऑफ टाइम मे बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ यूज इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइड एसेट फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट दैट एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट विल बी यूज टू प्रोड्यूस फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक इक्विपमेंट दे दिया मैंने आपको मशीन दे दिया कि आप उसको कुछ पर्टिकुलर आवर्स के बेसिस पर यूज करोगे डेली आप पांच घंटे के लिए वो मशीन यूज करोगे दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज पीरियड ऑफ टाइम अंडरस्टूड और नॉट मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड यहां पर पीरियड को उन्होंने अमाउंट से क्यों किया है क्योंकि यहां पर

ट्राई टू अंडरस्टैंड लेसी को क्या मिल रहा है लेसी को असेट मिल रहा है कि लेसी को असेट के रिलेशन में राइट टू यूज मिल रहा है लेसी को क्या मिल रहा है असेट मिल रहा है असेट की ओनरशिप मिल रही है ओनरशिप तो मिल ही नहीं रही है असेट मिल रहा है कि असेट के रिस्पेक्ट में राइट टू यूज मिल रहा है लेसी को क्या मिल रहा है राइट टू यूज और यही कारण है इन डेस वन वन सिक्स इफ दिस इज अज कॉन्ट्रैक्ट फॉर लेसी अगर सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है लेसी टू रिकोग्नाइज लेसी शुड नॉट रिकोगनाइज द असेट लेसी शुड नॉट असेट, बिकॉज़ लेसी इज नॉट द ओनर लेसी टू रिकोग्नाइज द राइट टू यूज द असेट, दैट मीन्स लेसी टू रिकोग्नाइज द इनटेंजिबल असेट एज अ राइट एज पर दीज कॉन्ट्रैक्ट मतलब इट इज एज गुड एज एन इंटेंजिबल अट और उसका नाम होगा आर ओ यू असेट राइट ऑफ यूज असेट लेसी विल नॉट बुक द असेट लेसी विल नॉट बुक द आइडेंटिफाइड असेट लेसी विल बुक द राइट ऑफ यूज द असेट बिकॉज उसको एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंट्रोलिंग राइट मिल रहे तो उसके पास क्या वॉट ही इज ऑप्टेनिंग ही इज ऑप्टेनिंग द राइट्स टू यूज दैट असेट सो वॉट ही विल रिकोगग्नाइज ही विल रिकोगनाइज ही विल नॉट रिकोग्नाइज द असेट फिजिकली वॉट ही विल रिकोग्नाइज ROU means right of use asset. In short, right to control the use. So here under Indias 116, what lessee will recognize, lessee will not recognize, again I am saying every time, lessee will not recognize any kind of PPE, try to understand, lessee will not recognize any kind of PPE, lessee, what will, what the lessee will recognize, lessee will recognize the rights. Huh?

एग्जेक्टली तो एग्जेक्टली exactly, exactly. अगर उसको आठ महीने दस महीने पंद्रह महीने का लीज है तो मंथवाइज भी करेगा ठीक है चलो ये हो गया लेसी रिक्नाइज डेप्रिसिएशन मतलब अमोटाइजेशन ऑन सच राइट समझ में आ रहा है नहीं नाव ऑन सच लीज लाइब्रेटी लेसी रिकोगनाइज द इंटरेस्ट कॉस्ट इंट बिकॉज द लीज लाइब्रेट इज टू बी रिक्नाइज एट प्रेजेंट वैल्यू वाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं कितना तेरे को पे करने वाला हूं उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू अगर मैं निकालूंगा वही तो मेरे राइट की वैल्यू है मैं उतना ही तो राइट यूज कर रहा हूं मेरे आज राइट की वैल्यू क्या है मेरे राइट की आज वैल्यू क्या है मतलब मैं राइट ऑफ यूज दिखा रहा हूं मेरा राइट कितने के हैं मेरे राइट उतने है जितना मैं पे कर रहा हूं उसकी आज की वैल्यू जनरली सेम रहेगा इसमें एक डिफरेंस आएगा मैं बताऊंगा वो डिफरेंस आप खुद ही समझ जाओगे क्योंकि आप लोगों ने इंडिया 16 में पढ़ा हुआ है इंडिया सिक्सटीन अगर पढ़ा हुआ है तो समझ जाओगे कि उसमें कैसे क्या होगा बट प्लीज अभी फोकस करो कि लेसी क्या क्या रिकॉग्नाइज करेगा अभी मैं दूसरे पॉइंट के लिए पहले से आपको बता रहा हूं लेसी लेसी क्या क्या रिकॉग्नाइज करेगा फर्स्ट आर ओ हा हाँ, आर ओसी आर ओ यू आर ओ यू? यू राइट्स बुक करेगा इन शॉर्ट क्या बुक करेगा राइट्स और राइट्स के ऊपर क्या करेगा अबोटाइजेशन एज एन एक्सपेंस दूसरा क्या बुक करेगा लाइब्रिटी वाई ही इज बुकिंग द लाइब्रिटी बिकॉज ही इज बुकिंग द राइट्स तो वो राइट उसने खरीद लिए खरीदने के बदले उसको पेमेंट तो करना पड़ेगा ना ओवरऑल तो वो लाइब्रेरी बुक करेगा ओवरऑल अब वो लाइब्रेरी कितने में बुक करेगा? और uh, कितने में बुक करेगा जितना भी वो पेमेंट कर रहा है फ्यूचर में उसका प्रेजेंट वैल्यू ठीक है लाइब्रेरी बुक कर ली अब इस लाइब्रेरी पे एवरी ईयर वो क्या बुक करेगा इंटरेस्ट नाउ द लाइब्रेरिटी विल बी ट्रीटेड एज गुड एज द फाइनेंशियल लाइब्रेरी एज पर इंडिया वन जीरो नाइन एवरी ईयर हैज़ टू बुक द इंटरेस्ट कॉस्ट एंड एवरी इ लाइब्रेरी टू हैज़ टू बी पेड तो आपकी धीरे धीरे लाइब्रेरी खत्म होती जाएगी और इंटरेस्ट कॉस्ट से बढ़ती जाएगी आ रही मेरी बात समझेगी नहीं तो दो चीजें लेसी की बुक्स में खर्चे दिखेंगे लेसी की बुक्स में दो खर्चे दिखेंगे पेंडल की पेंडल की बात कर रहा हूं मैं पहले बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं आप पेंडल की बात कर रहा हूं क्या दिखेगा एक तो अमोटाइजेशन ऑफ राइट और दूसरा इंटरेस्ट कॉस्ट इंटरेस्ट कॉस्ट कब जब तू इंडियस फॉलो कर रहा है अब तुम लोगों ने मुझसे एक चीज पूछी थी कि सर शॉर्ट टर्म लीजेस और लो वैल्यू लीजेस पे अगर हम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे इंटायर लीज रेंट को पी एंडल में डाल देंगे मतलब आर ओ यू सेट नहीं दिखाएंगे लीज लाइब्रेरी नहीं दिखाएंगे हम बोल रहे हैं हम मैंने हर महीने जितना देर को पे करना है वो पूरा का पूरा एंडल में जाएगा आई वर्ष में कि नहीं बट इन केस ऑफ वन वन सिक्स पीएडल में दो चीजें जाएंगी अमोटाइजेशन और

मैच होगा मैम अब वो कैसे होगा वो जब मैं आऊंगा उस पॉइंट पे तब मैं आपको समझा पाऊंगा प्रैक्टिकली मैं समझ समझ गया आपका एक जो डाउट uh, क्रिएट हो रहा है उस पर मैं वो समझ गया बट उसको हम जब प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन में देखेंगे तब अपन उसको और एलोबरेट कर, कर करके अपन उस चीज़ पर डिस्कशन कर पाएंगे अभी डिस्कशन करना विदाउट एनी बेस कोई मतलब नहीं है मैं आपकी बात समझ गया उसको मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कि वो जो चीज़ आप बता रहे हो वो जो चीज आप बोल रहे हो ना वो चीज एज गुड एज ए ए एस नाइनटीन है वो नाइन ए एस नाइनटीन है और यहां जो मैं आपको बोल रहा हूं ये उसी से मिलता जुलता है बट वो थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया उसने कि जो एक्स्ट्रा मैं आपको बोल रहा हूं कि एक्स्ट्रा एक बुक होगा आर के ऊपर एक एक्स्ट्रा और चीज बुक होगी बट वो कैसे मैच करेगा वो हम वो आपको बताएंगे वो कैसे होगा वो प्रैक्टिकली आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आएगा मतलब सिचुएशन देख के समझ में आएगा अगेन कम बैक टू द पीरियड सो वेन वी से पीरियड ऑफ टाइम

एक मशीन दिया जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी पर डे टेन थाउजेंड है पर मैंने आपको बोला कि यू कैन नॉट प्रोड्यूस मोर देन एट थाउजेंड यूनिट इन अ डे सो वॉट इज दिस अमाउंट ऑफ यूज मैंने आपको बोल दिया कि आठ हजार यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हो अब वो तुम किसी भी टाइम पे प्रोड्यूस करो ना इन अ डे यू कैन प्रोड्यूस नॉट मोर देन एट थाउजेंड अब तो सुबह आठ बजे से लेकर मशीन चलाना शुरू कर दे तू आठ बजे से मत चला तू बारह बजे से चलाना शुरू कर दे तू रात भर चला फिर तेरे को दिन में नहीं चलाना तो तेरे को तो जैसा यूज कर रहे तू कर तेरे को ऑपरेटिंग लाइट्स मिलने दे दिए पर एक कैप लगा दिया क्या कैप लगा दिया तू आठ हजार यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है डेली बेसिस पे तो वॉट इज दिस इट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ टाइम अंडरस्टूड और नॉट इट इंक्लूड्स एनी नॉन कंजिक्यूटिव ये मैं जो पहले लेक्चर से बोलता आ रहा हूं ये पॉइंट मैं पहले लेक्चर से बोलता आ रहा हूं आपको अगर ध्यान होना चाहिए पहले सेशन से बोलता आ रहा हूं इट इंक्लूड्स अ नॉन कंजिक्यूटिव पीरियड ऑफ टाइम फॉर एग्जांपल थ्री मंथ्स इन एवरी वन ईयर इन एवरी ईयर आई विल यूज द व्हीकल टू रन माय बिजनेस कुछ याद आ रहा है मैंने इसमें एग्जाम्पल दिए थे अरे हमने कल एक क्वेश्चन भी किया था मई जून मैं वेयर हाउस को यूज करूंगा क्रॉप्स को यूज स्टोर करने के लिए क्रॉप्स को स्टोर करने के लिए मैं, मैं साल भर में सिर्फ मई और जून में यूज करूंगा पांच साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो इसमें क्या है एक पीरियड है अरे बोलो ना सॉरी नॉन नॉन कंजिव पीरियड है, बोल रहा हूं, है। हर साल में दो दो तीन तीन महीने वापस कर दूंगा एग्जाम्पल दिया था कि वो मेरे पास एक ग्राउंड है मैंने वो परेश को दे दिया तीन महीने के लिए जनवरी फरवरी मार्च के लिए परेश उसको अपने काम में यूज करेगा वो मेरे को मतलब ही नहीं है हर साल और ये दस साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया दस साल में वो तीन तीन महीने मेरे से ले जाएगा इंक्लूड्स अ नॉन कंजिक्यूटिव पीरियड इट इंक्लूड्स अ नॉन कंजिकटिव पीरियड मेरी बात समझ आई की नहीं क्लियर बेटा सो दिस इज कॉल्ड पीरियड अमाउंट ऑफ यूज आइए पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन देखते हैं पहले आइए सेकेंड से हाँ, फर्स्ट तो हो गया था सेकेंड से कस्टमर एक्स वाई जेड इंटर्स इनटू अ टेन टेन ईयर कॉन्ट्रैक्ट विथ सप्लायर एबीसी फॉर द यूज ऑफ रोलिंग स्टॉक रोलिंग स्टॉक स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर कस्टमर एक्सवाइजेड इंटर्स इंटू ए टेन ईयर कॉन्ट्रैक्ट विथ सप्लायर एबीसी एबीसी सप्लायर है और कस्टमर है एक्स वाई जेड दस साल का कॉन्ट्रैक्ट है क्या यूज करने का रोलिंग स्टॉक स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर एक्स वाई जेड ओनली रोलिंग स्टॉक इज डिजाइंड टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल यूज इन कस्टमर एक्स वाईजेड प्रोडक्शन प्रोसेस कस्टमर उसको कहां पर यूज करेगा अपनी फैक्ट्री में अपने जहां पर प्रोडक्शन प्रोसेस में उसको वो मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो रोलिंग स्टॉक को यूज करेगा रोलिंग स्टॉक एक मशीन मान लो वो उसको यूज करेगा किसमें मटेरियल को सप्लाई करने में मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में इट इज नॉट सुटेबल फॉर यूज बाय अदर कस्टमर ये किसी और कस्टमर के लिए यूजफुल नहीं है क्योंकि ऊपर ही बोल रहे ना स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर द कस्टमर एक्स वाई जेड द रोलिंग स्टॉक इज नॉट स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट

नहीं करेगी इसका मतलब यहां पर बाई डिफॉल्ट मान के चल रहे हैं कि सप्लायर डेव सब्सिट्यूशन राइट यस आई थिंक वी डोंट नीड टू रीड द आंसर हा एक ही हमारे पास एक ही है तो उसको हमें एक्सप्लिसिटली बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने वो डिजाइन कस्टमर के हिसाब से ही डिजाइन किए हमारा कस्टमर भी एक ही है ठीक है बोलो क्लियर है कि नहीं मेरा एक मेरे को एक से ना एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आ रहा है ऐसे ही मतलब आप उसको ज़्यादा कोरिलेट तो नहीं कर सकते हो बट थोड़ा बहुत मैं आपको बताते रहूँ वेन आई हैव ज्वाइन वी स्मार्ट अकेडमी मैं इससे पहले भोपाल में अपनी क्लासेस लेता था तो मेरी जितनी भी बुक्स होती थी वो मेरा एक भोपाल का स्टूडेंट है सीए इंटरमीडिएट का उसने सीए अब वो कर रहा है नहीं कर रहा है वो एक ही बात है उसके पापा का और उसका खुद का प्रिंटिंग प्रेस है बहुत अच्छा खासा तो वो मुझे बोलता रहता था कि सर आप अपनी बुक्स मेरे को दो ना मेरे को दो ना मैं आपका काम करना चाह रहा हूं तो मैंने वी स्मार्ट ज्वाइन करने से पहले ही उसको अपनी बुक्स प्रिंटिंग में देना शुरू किया था मैंने उसको बुक्स देता था अपनी फाइनल की इंटर वगैरह की पर बहुत छोटे लेवल पे होता था क्योंकि ज्यादा इतना था नहीं बड़ा काम तो उसने एक बार मेरे को अच्छा देन आई ज्वाइन वी स्मार्ट फिर मैं वी स्मार्ट मैंने ज्वाइन किया तो बाय द पीरियड ऑफ टाइम मेरी बुक्स फिर कलरफुल बुक्स आने लगी और उसको मालूम पड़ा कि वी स्मार्ट में तो जय चावला सर नहीं है बाकी फॉर फैकल्टीज भी हैं बुक्स तो बड़े लेवल पर प्रिंटिंग होती होंगी बहुत सारी होती होंगी जय सर तो बल्कि बहुत ही छोटे लेवल पर करवाते होंगे विशाल सर की तो बहुत बड़े लेवल पर होती होगी दस दस हज़ार बुक होती होंगी और वो होता है ही गॉट टू नो दैट एक पॉइंट पर मेरे को उसने फ़ोन करके बोला उसके मेरा वो स्टूडेंट बोला एक घर के संबंध है एक तरीके से उसने बोला सर मेरा पापा से झगड़ा हो गया है मैं पापा से ना अलग हो रहा हूं वो शादीशुदा नहीं है छोटा बच्चा है पापा से झगड़ा हो रहा है सर मेरे को अपना खुद का बिजनेस कर रहा है करना है सर एक काम करो डील करवा दो वी स्मार्ट से मैं स्पेसिफिकली एक मशीन खरीद लूंगा वी स्मार्ट के लिए बनाऊंगा मेरे को अपना बिजनेस चाहिए सर मेरे को ना विशाल सर से मिलवा लो आपके जो भी मैनेजमेंट जो जो मेन व्यक्ति हैं मुझे सर काम दिलवा दो मुझे पूरा काम मत दिलवाओ मुझे आपके ओवरऑल काम का बीस परसेंट काम दिलवाओ सर मैं अपनी खुद की मशीन डाल रहा हूँ और मैं आपके लिए डेडिकेटली काम करूंगा अपनी खुद की मशीन डाल रहा हूं स्टार्टअप आपने बोला ना तो उससे मुझे एक याद आ गया वो चीज अपनी खुद की एक मशीन डाल रहा हूं और आपके लिए स्पेसिफिकली काम करूंगा एक्चुअली मैंने उसके लिए मैंने उसको बुलाया पुणे मैंने उसको मिलवाया एक्चुअली मैनेजमेंट से बट उसको एट द डे एंड काम हाथ नहीं लगा मैंने उसको फिर अपना काम दिया क्योंकि मैंने उसको अभी आज मेरी जितनी भी बुक्स बनती हैं जितनी भी बुक्स बनती हैं वो वो सब वही बनाता है और वो अपनी मशीन खुद की उसने खरीदी है लोन लेके खरीदी है उसने खुद की मशीन लेके और वो अपनी मशीन के लिए उसमें जब वो काम करता है उसके अदर क्लाइंट्स भी हैं उसके कुल मिलाकर पांच क्लाइंट्स हैं पांच क्लाइंट्स में मैं सबसे बड़ा क्लाइंट अभी फिलहाल मैं हूं और मैं उसको बोल देता हूं कि भैया मेरी बुक सबसे पहले छपनी है तो वो सारे काम रोक देता है और वो मेरे बुक छाप देता है अभी जैसे सबसे पहले जैसे चार्ट बुक का, का काम हुआ जैसे चार्ट बुक का काम हुआ इंडेस कंसेप्ट बुक का काम हुआ तो उसका दूसरे ऑर्डर पड़े हुए थे मैंने बोला भाई देख मेरे को ये चाहिए मेरे को इतनी नंबर ऑफ बुक्स मेरे को चाहिए मेरे को दो दिन के अंदर अंदर चाहिए तो उसने बोला ठीक है सर मैं ऑर्डर रोक देता हूं मैं आपका काम पहले कर लूंगा देन आगे क्या हुआ उसने बोला सर काम दिलवाओ ना सर मेरे को मैं ना चल मैं देखता हूं इन द मीन कपिल सर ने मुझे बोला कि सर आपका जो भोपाल का बंदा है मुझे बता दो मैं एक बार बात कर लूं मैंने उसको कपिल सर का नंबर दिया कपिल सर से उसकी बात हुई पर उसने मुझे साइड में क्या बोला मैं आपको ये आउट ऑफ द ट्रैक बात बता रहा हूं बोलना नहीं चाहिए बट उसने बोला बोला सर टोन वरी आपको जो रेट मिलेगा वो अलग ही टाइप का मिलेगा आपका रेट ऐसा होगा जो कंपटीशन वाला होगा ही नहीं टेंशन मत लो बाकी टेंशन मत लो मतलब मैं अदर फैकल्टी से काम लूंगा ना आपके आपके थ्रू भी मिलेगा ना पर मैं आपको जो रेट लूंगा रेट दूंगा वो रेट कभी टूटेगा नहीं टेंशन मत लो मेरे को समझ लो मेरे को क्या क्या किस तरीके से मेरे को प्रिवेलेज मिल रहा है तो मतलब कहा क्या हो रहा है कि बेसिकली माई सप्लायर इज इज यूजिंग ओनली अ सिंगल असेट एंड मेरे डिसीजन मतलब मेरे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो असेट को यूज कर पा रहा होगा इतना कैपेसिटी है बट मैं यहां पर पूरा नहीं कह रहा हूं कि मतलब असेट वो जब चाहू मैं उसको बोलूं पर मेरे अगर ऑर्डर लगाने हैं तो वो लगा सकता है मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं तो यहां पर अगर मैं इसके ऊपर एक फोकस कर लू अगर मैं आपको इसमें ये बोलूं कि मैंने उसकी असेट को फाइनेंस कर दिया सपोज मैंने उसकी असेट को ही फाइनेंस कर दिया और अपने पास ऑपरेटिंग राइट्स रख दिए तो माइट भी एक लीज कॉन्ट्रैक्ट हो जाए मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं तो ऐसा हो सकता है प्रैक्टिकल सिनेरियो में ऐसा हो सकता है कि कस्टमर इंस्टिड सप्लायर को फाइनेंस करके दे रहा है अट और जिससे कस्टमर के पास क्या आ गए राइट्स आ गए कस्टमर ने बोले देख तू तो काम मेरा सबसे पहले करेगा तू तो दूसरे काम ले पर अट 75 परसेंट की कैपेसिटी मेरे लिए यूज होगी तो 25 कैपेसिटी दूसरे के लिए यूज कर तो इसका मतलब 75 मेरे लिए यूज होगी तो यहां पर हो सकता है इकोनॉमिक इकोनॉमिक बेनिफिट्स बेनिफिट्स यहां पर मुझे मिल रहे हैं मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री कस्टमर एक्स वाई जेड इंटर्स इनटू अ टेन ईयर कॉन्ट्रैक्ट विथ सप्लायर एबीसी फॉर द यूज ऑफ अ कार 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 द स्पेसिफिकेशन ऑफ द कार इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट में बता दिया गया मतलब कौन सा ब्रांड होगा टाइप होगा कलर होगा ऑप्शंस क्या क्या उसमें डाले जाएंगे एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द कार इज नॉट येट बिल्ट अभी कार बनाई नहीं गई है बट कार के बारे में स्पेसिफिकेशन डाल दिए गए हैं कि कौन सी कार होगी वेदर आइडेंटिफाइड यस क्यों बिकॉज इट इज इट इज एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट बोलो ना क्या है इसको कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड किया गया है कि नहीं किया गया है? ठीक है दो दो कार कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड एट इंसेप्शन इट इज इंप्लेसिटली स्पेसिफाइड एट द टाइम नहीं एक्सप्लिसिटली होगा बेटा इसको काटो एक्सप्लिसिटली होना चाहिए जब भी आइडेंटिफाइड असेट के ऊपर आपको केस स्टडी आएगी इस टाइप की और सप्लायर सब, के सब्सटेंटिव राइट्स के बारे में कुछ नहीं बोला जाएगा तो आपको एडिशनली प्लस करके आपको एडिशनल पॉइंट डाल के आना है कि अज्यूमिंग प्रेजम्पर प्रेजम्पन दैट सप्लायर डज नॉट ये इसमें डाल दीजिएगा कि हमारा इधर इधर एक प्रेजम्शन है कि सप्लायर के पास सब्स्टीट्यूशन डजेंट हैव सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स अगर वो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहे तो भी आपको यह प्रजम्पन डाल के आना है कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि सप्लायर के पास कोई भी सब्सटेंट्यू सब्सिट्यूशन राइट नहीं है चलो फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे ऑपरेशनल हाँ हाँ अदर देन इन केस ऑफ ऑपरेशनल इन एफिशियंसी सप्लायर कैन सब्सटीट्यूट या सप्लायर हैज टू सब्सटीट्यूट हाँ हाँ बिल्कुल हाँ, वो इंप्लाइड रहेगा आगे बढ़े ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर एंड इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज प्रोवाइडर इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज प्रोवाइडर जो कि एक सप्लायर है अच्छा वो स्टोरेज देता है प्रोवाइड सर्विसेज थ्रू अ सेंट्रलाइज डेटा सेंटर दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ अ स्पेसिफाइड सर्वर सर्वर नंबर दस उसके पास कई सारे सर्वर है तो वो सर्वर नंबर दस प्रोवाइड कर रहा है स्टोरेज के लिए आपको सप्लायर मेंटेन्स मैनी आइडेंटिकल सर्वर इन अ सिंगल एक्सेसिबल लोकेशन लोकेशन तो एक ही रहती है वहां पर वो कई सारे सर्वर कर रहा है उसमें सर्वर नंबर टेन वो प्रोवाइड कर रहा है डेटा स्टोरेज के लिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज के लिए इन अ सिंगल एक्सेसिबल लोकेशन एंड डिट्रमाइंस एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट इट इज परमिटेड टू एंड कैन ईजीली सब्स्टिट्यूट अनदर सर्वर Without the customer's consent throughout the period of use, वो कह रहा है कि मैं सर्वर नंबर दस तो दे रहा हूं पर मैं आगे चल के मैं उसको इजीली सब्सटीट्यूट भी कर सकता हूं सर्वर नंबर दस को हटा के मैं सर्वर नंबर बारह को भी दे सकता हूं इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज के लिए जिसके लिए मुझे कस्टमर से पूछना नहीं पड़ेगा और एक्चुअली होता भी ऐसा ही है सही है ये रियल लाइफ कैसे सर्वर होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज के लिए आपको थोड़ी पता कि आपका डेटा कौन से वाले सर्वर में रखा हुआ है है? आपको वो से वाले ड्राइव में कैसे स्टोरेज कर रहे हैं उनका मतलब उनका सर्वर का है ठीक है फर्दर सप्लायर वुड बेनिफिट अरे यार सब तो दे दिया सप्लायर वुड बेनिफिट इकोनॉमिक दोनों दोनों की दो कंडीशन होती है क्या प्रैक्टिकल एबिलिटी टू सब्सिट्यूट प्रैक्टिकल एबिलिटी तो ऊपर बता दिया कि हाँ वो इजिली कर सकता है इजिली लिखा हुआ मतलब प्रैक्टिकल एबिलिटी है और दूसरा सप्लायर वुड गेट इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम सब्सटीट्यूटिंग एन ऑल्टरनेटिव असैड बिकॉज डूइंग दिस वुड अलाउ द सप्लायर टू ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स नेटवर्क एट ओनली अ नॉमिनल कॉस्ट रिप्लेसमेंट करेगा तो उसको बल्कि उसका एफिशिएंसी उसका optimization उसका ऑप्टिमाइजेशन बढ़ेगा इन एडिशन सप्लायर हैज हैज मेड क्लियर दैट इट नेगोशिएटेड दिस राइट ऑफ एज एन इंपॉर्टेंट राइट इन द अरेंजमेंट ओहो शुरू में ही इंसेप्शन में क्लियर कर दिया इंसेप्शन देखो तो ये ये एक्चुअली ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक नहीं है इतनी सब इतना थोड़ी सिंपल क्वेश्चन आता है पर ये क्वेश्चन आपका बेसिक्स बताना चाह रहा है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड

ये नहीं कि उन्होंने आपको ये एग्जाम में ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक बिल्कुल नहीं है पर इस क्वेश्चन से आपको कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा कि हां यार क्यों उसने बोला था कि पे वो चेक करना है बात समझ में आ रही कि नहीं तो इंपॉर्टेंट राइट इन द अरेंजमेंट मतलब उसने शुरू में ही बोल दिया कि भैया ये तो मुझे एज अ ये राइट right चाहिए कि मैं सब्सटीट्यूट कर पाऊं एंड द सब्स्टिट्यूशन राइट अफेक्टेड द प्राइजिंग ऑफ द अरेंजमेंट और क्योंकि मैं सब्सिट्यूशन कर पा रहा हूं तो इधर रीजेंट विथ मैं तेरे से थोड़ा सा कम लूंगा

अच्छा सर्वर टेन क्या है कस्टमाइज है सप्लायर के पास प्रैक्टिकल एबिलिटी नहीं है ऑब्वियसली नहीं होगी ना यार वो दूसरे सर्वर से रिप्लेस ही कैसे कर वो तो कस्टमाइज है और कस्टमाइज है तो उसने पेमेंट भी ज्यादा लिया होगा उससे अब वो कल को अगर रिप्लेस कर भी लेगा तो उसका पेमेंट इफेक्ट हो जाएगा तो उसका प्रैक्टिकल एबिलिटी है ही नहीं तो समझो प्रैक्टिकल एबिलिटी की बात क्या होती है प्रैक्टिकल एबिलिटी का मतलब ये हुआ कि वो तो कस्टमाइज है ना मैं अगर कल को रिप्लेस करूंगा तो सामने वाला तो रेंट कम कर देगा मेरा हा? मैंने कस्टमाइज दिया है तो डेफिनेटली मैं रेंट अपने मन के हिसाब से ले रहा हूंगा. अगर मैं कल uh, रिप्लेस कर दू सब्सिट्यूट बना दू इसका तो मेरा रेंट भी तो अफेक्ट होगा मेरा रेंट अफेक्ट होगा तो मेरे को नुकसान हो सकता है दैट मीन्स मेरे पास प्रैक्टिकल एबिलिटी नहीं है इट इज अनक्लियर वेदर द सप्लायर वुड बेनिफिट इकोनॉमिकली फ्रॉम ंग सिमिलर ऑल्टरनेट असेट वेदर द सब्सिट्यूशन राइट आर सब्सटेंटिव एंड वेदर एन दईडेंटिफाइड असेट क्या होना चाहिए राइट है? अच्छा आइडेंटिफाइड असेट है सप्लाई डज नॉट है राइट है ना क्या आंसर पढ़ना जरूरी है कि हम समझ रहे हैं आ गए ना, ना? है ना आंसर आप घर पे यस ऑब्वियसली यस यू हैव टू राइट द कंडीशन अगेन भले उन्होंने क्वेश्चन में सारी कंडीशन क्लियर कर दी है बट अगेन यू हैव टू मेक अ प्रोविजन प्रॉपरली क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव कस्टमर एक्सवाइजेड इंटर फिफ्टीन ईयर कॉन्ट्रैक्ट सप्लायर रेबीसी फॉर द राइट टू यूज फाइव फाइव फाइबर फाइबर्स विद इन अ फाइबर ऑप्टिक केबल बिटवीन मुंबई एंड पुणे एक्सवाइजेड ने पंद्रह साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है क्या यूज करने का पांच फाइबर्स यूज करने का विद इन अ फाइबर ऑप्टिक केबल बिटवीन मुंबई एंड पुणे द कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाइज फाइव ऑफ द केबल्स 25 फाइव फाइबर्स फॉर यूज बाय कस्टमर मतलब पच्चीस में से उसके पास पच्चीस है पच्चीस में से पांच आइडेंटिफाई करके दे दिया है उसने कि भाई ये वाली मैं तेरे को पांच दूंगा द फाइव फाइबर्स आर डेडिकेटेड सोलली टू द कस्टमर्स वाई जेड डेटा वो कस्टमर जेड के डेटा के, के लिए ही डेडिकेटेड रहेगी

राइट right भी नहीं देता तो फिर सब्जेक्टिव आंसर बन जाता अपना कि ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे जजमेंटल बन जाता ऐसा बट उन्होंने फाइव फाइबर्स को आइडेंटिफाई करके दे दिया मतलब वो फिजिकली डिस्टिंग फिजिकली ये पांच फिजिकली डिस्टिंग हमने कल एक पॉइंट पढ़ा था फिजिकली डिस्टिंग पे बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पूरी बिल्डिंग भी फिजिकली डिस्टिंग मानी जाएगी और फर्स्ट फ्लोर अकेला भी डिस्टिंग माना जाता है अगर उसको अलग से यूज करने के राइट दिए अलग से रास्ता है उसका जाने का सब कुछ अलग से उसको आपको दिया जा रहा है फैसिलिटीज तो, तो फिजिकली तो यहां पर अपन क्या बोलेंगे? जो फाइव फाइबर्स हैं, वो फिजिकली डिस्टिंक्ट है क्योंकि क्यों क्योंकि कस्टमर को सोलेली राइट्स दिए गए पूरे सोल राइट्स कस्टमर के पास है क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स आप लोगों को वन वन फाइव ठीक लगा था मैम ने बोला था वन ज़ीरो नाइन अच्छा नहीं लगता उनको अच्छा और वन वन फाइव और वन वन फाइव और, और कंसोलिडेशन अच्छा हाँ अच्छा, अच्छा. टेस्ट सीरीज अच्छा लेट्स सी अब वन वन सिक्स कैसा जाता है तुम लोगों का तो मैम बना हुआ है ना अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर सिक्स कस्टमर एक्स वाई जेड इंटर्स इनटू अ टेन ईयर कॉन्ट्रैक्ट विद सप्लायर एबीसी फॉर द राइट टू ट्रांसपोर्ट ऑयल फ्रॉम इंडिया टू बांग्लादेश थ्रू सप्लायर एबीसी पाइपलाइन अच्छा यहां पर पाइपलाइन को यूज करने का राइट right है मैं अपना ऑयल इंडिया से बांग्लादेश भेजूंगा तेरे मोड के थ्रू तेरे पाइपलाइन के थ्रू मैं तेरा क्या यूज कर रहा हूं पाइपलाइन यूज कर रहा हूं द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड दैट कस्टमर एक्सवाइज विल हैव द राइट टू यूज नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ द पाइपलाइंस कैपेसिटी थ्रू आउट द टर्म जितने भी टाइम के लिए मैं यूज करूंगा उसका नाइन्टी फाइव परसेंट कैपेसिटी अरे यार अगर नाइंटी फाइव परसेंट कैपेसिटी मैं यूज कर रहा हूं तो मुझे सबस्टेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट मुझे ही मिल रहे हैं ऑफ द अरेन्जमेंट वेदर देयर एन आइडेंटिफाइड अट्वियसली है मतलब यहां पर ठीक है यहां पर उन्होंने स्पेसिफिकली ये नहीं बताया कि भाई पाइपलाइन ऑब्वियसली एक ही पाइपलाइन है ठीक है ना यह तो बताया गया ना कि उसकी चार अलग अलग पाइपलाइन है ठीक है ना पाइपलाइन तो वही है पर एक ही पाइपलाइन में नाइन्टी फाइव परसेंट कॉल यूज कर रहा है कस्टमर कस्टमर यूज कर रहा है यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि यार मैक्सिमम पोर्शन कस्टमर यूज कर रहा है उससे उसको इकोनॉमिक इंप्लाइड है इसमें तो इन्वॉल्व uh, है अमाउंट ऑफ यूज बट पॉइंट इज कि कस्टमर इज एबल टू यूज 95 फाइव परसेंट ऑफ द कैपेसिटी दैट मीन ये आइसेट किसके लिए बनाई गई है कस्टमर के लिए, लिए मतलब हां ये ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाइसी ये ये समझो कि इसमें बहुत सारी चीजें बताई नहीं गई बट इसमें इंडायरेक्टली समझो ना इंडायरेक्टली ये बताया गया है कि कस्टमर के पास 95 परसेंट कैपेसिटी कस्टमर यूज कर पा रहा है मतलब कस्टमर यूज कर पा रहा है तो इसका मतलब वो पाइपलाइन तो कस्टमर के लिए बनाई गई होगी स्पेसिफिकली उसका मतलब ये इंप्लाइड है आप इसको इंप्लाइड कैटेगरी में ले सकते हो हाँ टोटल टोटली गिवन टू हिम तो इट इज इंप्लाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट की तीन महीने देता हूं हाँ परेगा तो असेट इज आइडेंटिफाइड फॉर यू ओनली बिकॉज यू आर एबल टू जनरेट नाइनटी फाइव परसेंट मैं वही बोल रहा हूं ना इसमें दो चार अलग अलग चीजें मिला के करोगे ना तो इसमें राइट टू यूज इकोनॉमिक बेनिफिट वाला भी आपको करना पड़ेगा इकोनॉमिक बेनिफिट भी आपको डालना पड़ेगा यहां पर हां वेदर दियर एन आइडेंटिफाइड असिट तो हम सोचते तो हैं यार, तो यार तो एक्सप्रेसिटली और इंप्लाइड होनी चाहिए यहां तो ऐसा कुछ बोला नहीं है अच्छा दूसरा आ, क्या बोलते हैं फिजिकली डिस्टिंक्ट ठीक है फिजिकली डिस्टिंक्ट लग रहा है ठीक है पाइपलाइन है फिजिकली डिस्टिंक्ट है ठीक है यह बात समझ में आ रही है और दूसरा सब्सटेंटिव राइट्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया बट उसने 95 परसेंट बोल के उसने राइट टू कंट्रोल से घुमा के आंसर देना पड़ेगा आपने को huh? तो तो हाँ वेदर सप्लायर है वेदर कस्टमर हैज राइट टू कंट्रोल द असेट द यूज ऑफ द असेट पर अल्टीमेटली हमने क्या बोला कि भाई अगर 95 परसेंट कैपेसिटी उसके पास है तो इसका मतलब मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट्स वो जनरेट कर पा रहा है दैट मींस ये इंप्लाइड है इस कॉन्ट्रैक्ट में कि असेट फिलहाल जिस पीरियड के लिए दी गई है फिलहाल उसी के लिए यूज करने के लिए दी गई हा हां डायरेक्ट ये अगर ऐसा नहीं पूछता वेदर देयर देयर इज कॉन्ट्रैक्ट और नॉट ऐसा लीज कॉन्ट्रैक्ट और नॉट ऐसा वाला होता था हां सिनेरियो बी अज्यूम द सेम फैक्ट एज इन सिनेरियो ए एक्सेप्ट दैट कस्टमर एक्सपेजेड हैज द राइट टू यूज सिक्सटी फाइव परसेंट ऑफ द पाइपलाइन कैपेसिटी थ्रू आउट द टर्म मैम नहीं यही तो बस यही मैं आपका वेट कर रहा था मॉर्निंग नाइन इवन नाइट नाइन तक नहीं है ना फाइव परसेंट मैं कल इस पर चर्चा कर रहा था तो, तो, तो मैम वीक को तो कंपेयर ही मत करो हम कल बात क्या कर रहे थे हम कल क्या बात कर रहे थे कि आपको जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स uh, देखने हैं वो उसकी ओवरऑल लाइफ से नहीं देखने जितना टर्म आपको दिया गया उस टर्म में इकोनॉमिक बेनिफिट आप कितने जनरेट कर पा रहे हो उसका सब्सटेंशियल पोर्शन आपको मिल रहा है कि नहीं वाई मैम सी अगेन इट इज जजमेंटल बेसिकली बट अगर मैं आपकी जगह पे हूं तो मैं बोलूंगा 65 परसेंट है इट शुड बी मोर देन मैंने अभी थोड़ी देर पहले, पहले बताया कि इन डेस ने सब्सटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट को डिफाइन नहीं किया गया बट जनरली मोर देन 80 85 परसेंट शुड बी देयर हा आप बात को समझो सबसे पहले जो आपका डाउट है कि 65 परसेंट तो क्या हुआ सर 65 परसेंट है तो क्या हुआ पहली बात तो टर्म उतने टर्म में हंड्रेड परसेंट इकोनॉमिक सिर्फ सिक्सटी बोल रहे हैं उतने टर्म के लिए मतलब वो मुझे पाइपलाइन दे रहा है साल में सिर्फ दो महीने के लिए मान लो तो मैं साल भर के इकोनॉमिक बेनिफिट कंपेयर नहीं करूंगा मैं सिर्फ दो महीने के इकोनॉमिक बेनिफिट कंपेयर करूंगा अब दो महीने के इकोनॉमिक बेनिफिट में मैं सिर्फ कितना यूज कर पा रहा हूं सिक्सटी सो आउट ऑफ टू मंथ्स में जितना भी इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट किया जा सकता है उसमें सिक्सटी फाइव परसेंट कैपेसिटी मुझे मिल रही है तो क्या यहां पर मैं कह सकता हूं क्या कि मुझे सब्सटेंशियली इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहे हैं वेदर कस्टमर हैज राइट टू ऑप्टेन सब्सटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट नो कस्टमर इज नॉट ऑप्टेनिंग दबस्टेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट वाई फॉर दैट टर्म आउट ऑफ हंड्रेड परसेंट कस्टमर इज गेटिंग ओनली सिक्सटी फाइव परसेंट कैपेसिटी अज्यूमिंग शियल इट इज नॉट सबस्टेंशियल वी आर रेज्यूम इट इज नॉट सब्सटेंशियलशियल होने के लिए यार एटलीस्ट हम अस्सी परसेंट तो बोले आ रही बात समझ में नहीं ठीक है फिर भी फॉर द राइटिंग आंसर मैं यह बोल रहा हूं कि कहीं कही ना कहीं आपको सिक्सटी फाइव को सब्सटेंशियल नहीं मानना चाहिए बट प्रैक्टिकली हो सकता है केस टू केस डिपेंड करे कोई हो सकता है एंटिटी का एक नहीं सिक्सटी फाइव परसेंट भी हमारे लिए सब्सटेंशियल दैट डिपेंड्स केस टू केस बेसिस बट जनरली इट इज नॉट सब्सटेंशियल हा अल्टीमेटली आपको यूजफुल लाइफ को नहीं देखना है आपको पीरियड ऑफ यूज को देखना है पीरियड ऑफ यूज में आपको मैक्सिमम रिवॉर्ड्स मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहे कि नहीं पीरियड ऑफ यूज के टाइम पे यूजफुल लाइफ में मैक्सिमम रिवॉर्ड्स नहीं पीरियड ऑफ यूज में आपको मैक्सिमम रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं कि नहीं ये ध्यान रखना है और ये पॉइंट मैं बोलूंगा कि वो जो राइट टू कंट्रोल वाला पॉइंट था उधर जाके लिख लेना है आपको कि डोंट चेक द इंटायर इकोनॉमिक लाइफ वी जस्ट हैव टू चेक द पीरियड ऑफ यूज फॉर सब्सटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स सब्सटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स का जजमेंट करने के लिए हमें पीरियड ऑफ यूज देखना है कि कितना पीरियड हमें दिया दिया गया एक्चुअली हम्म आपको ज्यादा मिल रहा है पर सब्सटेंशियल नहीं मिल रहा है सब्सटेंशियल नहीं मिल रहा है पीरियड ऑफ यूज सब्सटेंशियल मतलब हम कह रहे हैं जनरली 80 85 परसेंट से अबव हम मान के चल रहे हैं कि वही मैं वही कह रहा हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ आंसर टू सेटिस्फाई द इंस्टीट्यूट ऑल्सो वी आर अज्यूमिंग सब्सटेंशियल मस्ट बी एटलीस्ट एटी परसेंट अंडरस्ट नाउ नाउ डू वन थिंग चलो इसी को मैं आपको ना आपके वाले एग्जाम्पल पे आता हूं कि ये रूम वी स्मार्ट ने आपको दे दिया ठीक है ना और बोल दिया कि आप मॉर्निंग सेवन टू इवनिंग फोर ओ आप यूज करोगे ठीक है फोर ओ से लेकर इवनिंग एट ओ क्लॉक तक नाइन ओ क्लॉक तक क्योंकि नाइन क्लब क्लास नहीं लगेंगी नाइन ओ तक हम यूज करेंगे वी स्मार्ट खुद यूज करेगा ठीक है ना अब अपना अब आप आपका आपके पास हो गया सिक्सटी सिक्सटी फाइव परसेंट पोर्शन हमारे पास हो गया थर्टी थर्टी फाइव परसेंट पोर्शन ठीक है ना अब आप सुबह से लेकर चार बजे तक पढ़ा रहे हो और एग्जैक्टली ठीक है ठीक है कितने इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर पा रहे हो वो थोड़ा एग्जाम्पल दो इकोनॉमिक तो 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 बेनिफिट नाम की भी तो चीज होती है ना इस रूम से इकोनॉमिक बेनिफिट कितने लिए जा सकते हैं मैं वो बोल रहा हूं सिटिंग कैपेसिटी पर अब बात को समझिए इस रूम की इस रूम की सिटिंग कैपेसिटी पचास बच्चों की फॉर एग्जाम्पल पचास से ज्यादा ही दिख रही है पर पचास बच्चों की अब पचास बच्चों की सिटिंग कैपेसिटी है जब वो चार घंटे वी स्मार्ट क्लास लेता है ना तो पचास के पचास बच्चे यहां पर बैठे रहते हैं पर जब आप क्लास ले रहे हो तो एवरेज आपकी जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट क्लास लगती है तो एवरेज पच्चीस बच्चे बैठे हर अलग अलग क्लास में हा? आपकी फीस पर स्टूडेंट कम है और वी स्मार्ट क्योंकि सीए फाइनल वाला सब्जेक्ट ले रहा है विशाल सर पढ़ा रहे तो उनकी पर सब, पर स्टूडेंट सब्जेक्ट फीस ज्यादा है इकोनॉमिकली इस रूम से ओवरऑल अगर देखा जाए तो कितने बेनिफिट्स हैं सबका ओवरऑल करो पर उसमें इकोनॉमिकली वी स्मार्ट को भले वो थर्टी फाइव परसेंट यूज कर रहा है पीरियड ऑफ टाइम उसका कम है पर इकोनॉमिकली वो अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर रहा है हो रहा है ना मैंने आपको बोला कि मुझे अपना ऑयल बांग्लादेश ट्रांसफर करना है आपकी पाइपलाइन यूज करना है आपने बोला सर यूज करो इतना परसेंट पोर्शन यूज करोगे बाकी मैं गौरव को दूंगी गौरव को भी ट्रांसफर करना है गौरव को भी मेरी पाइपलाइन यूज करनी है आपके दो कस्टमर हैं हाँ। नहीं ऑब्वियसली वो अलग अलग नहीं जाएगा वो ऐसा पार्टीशन नहीं हो के जाएगा। ऑब्वियसली पीरियड वाइज रहेगा ना हाँ हाँ, हाँ। ठीक है ठीक है पर पाइपलाइन तो एक ही है ना मैम पाइपलाइन तो एक ही है ना तो हाँ ठीक है ठीक है बिल्कुल हाँ, हाँ, अपन हाँ, ने पढ़ा है मॉनिटरी टर्म्स में प्लीज अंडरस्टैंड

वो सबलीज करे वो होल्ड करे वो यूज करे फ्रॉम द यूज ऑफ एन असेट जिसमें इंक्लूड होगा क्या प्रोड्यूसिंग और मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स फ्रॉम आइडेंटिफाइड असेट फॉर द पर्पज ऑफ सेल सेल होगी तो इकोनॉमिकली बेनिफिट होगा कि नहीं प्रोड्यूसिंग प्रोवाइडिंग सर्विस ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बाई इंक्रीजिंग टर्न ओवर सबलीजिंग द असेट टू थर्ड पार्टी इन रियलाइजिंग लीज रेंट यहां पर हम इकोनॉमिक बेनिफिट्स की जहां पर बात कर रहे हैं वहां पर बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं मॉनेटरी बेनिफिट्स में अब वो जो पाइपलाइन का आप बोल रहे हो कि यस ये द, 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 दिस इज द फैक्ट दैट पाइपलाइन तो एक ही है ऐसा नहीं कि बीच में हम आ, कुछ पार्टीशन कर लेंगे और एक साइड से बेरी जाएगी एक साइड से उसकी जाएगी ऐसा नहीं होगा कि सिक्सटी फाइव परसेंट पोर्शन पार्टीशन मेरे लिए हो जाएगा ये हो जाएगा कि यार उस पर्टिकुलर टाइम में मैं पाइपलाइन का सिक्सटी उपयोग कर पा रहा हूं जबकि मुझे तीन महीने के लिए पाइपलाइन मिली है पर तीन महीने में भी मुझे एक टाइम स्लॉट दिया गया है कि उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट पे भी पे ही मैं अपनी पाइपलाइन को यूज करूंगा बाकी थर्टी फाइव परसेंट अदर कस्टमर यूज करेगा ट्राई टू अंडरस्टैंड तो मतलब मुझे एक टाइम स्लॉट दे दिया गया कि मैं उस पाइपलाइन को सिर्फ सिक्सटी फाइव परसेंट पोर्शन ही यूज कर सकता हूं मतलब मुझे एक टाइम दे दिया गया तीन महीने के लिए एक तो तीन महीने का लीज कॉन्ट्रैक्ट दे दिया उस तीन महीने में मुझे मान लो डेली बेसिस पर एक टाइम दे दिया गया कि आई कैन यूज दैट पाइपलाइन फ्रॉम दिस टू दिस टाइम फ्रॉम एट ओ क्लॉक टू समथिंग समथिंग ऐसा करके बाकी पोर्शन कौन यूज करेगा आपका अदर कस्टमर यूज करेगा तो उस तीन महीने में आपका अदर कस्टमर भी तो यूज कर रहा है ना जब अदर कस्टमर यूज कर रहा है तो उस पाइपलाइन से जो इकोनॉमिक बेनिफिट मुझे मिलने चाहिए थे वो तो पूरे थोड़ी मिल पा रहे मुझे तो सिर्फ सिक्सटी फाइव परसेंट मिल पा रहे मुझे तो सिर्फ सिक्सटी फाइव परसेंट मिल पा रहे तो यहां पर मैं इकोनॉमिक बेनिफिट मेरे पास पूरे नहीं है नहीं नॉट नेसेसरी लो वैल्यू लीज We cannot treat it as basically a uh, right to control the use of an asset. Substantial ky kiamarpas economic benefits So it is not covered under lease contract of India's 116. It is to be treated like a simple uh, providing services. Service contract. It is treated as simple service contract. What I am getting? I am getting the uh, pipeline services from supplier for which I am paying rent to them. रेंट वे भी चार्ज टू बी हेंडल इट इज टेक्निकली अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट आया समझ में नहीं? क्वेश्चन नंबर सिक्स हो गया सेवन कर लिया था ना एट कर लिया था नाइन कर लिया था टेन कर लिया था इलेवन कर लिया था नहीं दिया वो जनरली मैम सब्सटेंशियल तभी माना जाता है जब एटलीस्ट परसेंटेज वाइज अगर अपन जाएं तो एटलीस्ट इट शुड कवर 80 85 परसेंट पोर्शन जनरली और यह चीज पिछला वाला ए एस भी बोलता था एस नाइनटीन भी कहता था लीजेस का कि मैक्सिमम मेजर इकोनॉमिक लाइफ तभी मानोगे जब आपका कम से कम नाइनटी परसेंट हो। चलिए वापस नोट्स पे आइए चलिए एक लीज टर्म करके लास्ट पॉइंट बच गया लीज टर्म लीज टर्म करके एक लास्ट पॉइंट बच गया प्लीज रीड पहले सबसे पहले खुद से फिर मैं इसको रीड करवाता हूं पहले खुद से रीड करिए हम्म ये लीज टर्म पीरियड से ही बना है पीरियड ऑफ यूज पीरियड ऑफ टाइम से लीज टर्म बना है सी दो मिनट सामने देखिए लीज टर्म क्या होता है लीज टर्म में तीन चीजें आ सकती हैं पहला नॉन कैंसलेबल पीरियड अभी लिखना मत पहला नॉन कैंसिलेबल पीरियड ये क्या होता है नॉन कैंसिलेबल पीरियड ना लेसर ना लेसी इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं मतलब वो एक मैंडेटरी पीरियड है इतना पीरियड तक तो लीज चलेगा ही चलेगा दैट मींस कह सकते हैं इन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट टर्म में क्या आता है टर्म में सबसे पहले तो नॉन कैंसलेबल नॉन कैंसलेबल पीरियड आता है. है कि वो लीज को कैंसिल कर सकते हैं. मतलब दोनों के लिए इनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट है कि मतलब इतना पीरियड तो चलाना ही पड़ेगा लीज टर्म में डिफॉल्ट नॉन कैंसिलेबल पीरियड तो आएगा ही आएगा क्या उसके अलावा और क्या आएगा कैंसलेबल पीरियड आ सकता है कब इफ इट इज रीजनेबली सर्टेन दैट इट इज नॉट एक्सरसाइजेबल मतलब मैंने आपको दस साल के लिए लीज पर दिया असेट कार उसमें से मैंने सेवन इयर्स का मैंडेटरी पीरियड रख दिया कितने इयर्स का तो सेवन इयर्स क्या हो जाएगा नॉन कैंसलेबल मतलब ना आप कैंसिल कर सकते हो ना मैं कैंसिल कर सकता हूं ठीक है ना अगर कैंसिल किया तो हैवी पेनल्टी भरेगा दोनों में से कोई एक सो टेक्निकली ये क्या हो गया नॉन कैंसलेबल पीरियड अच्छा सिर्फ समझो नॉन कैंसिलबल पीरियड का मतलब ये नहीं कि वो कभी जिंदगी में कैंसिल ही नहीं, नहीं हो पाए नॉन कैंसिलबल पीरियड मतलब वो एक इन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट है कि कल को अगर तूने कैंसिल किया तो यू हैव टू पे पेनल्टी या कल को अगर मैंने कैंसिल किया तो आई हैव टू डिस्चार्ज द पेनल्टी सो दैट मैं तेरे को कॉम्पनसेट कर पाऊं तो ये कौन सा पीरियड हो गया नॉन कैंसलेबल सात साल का तीन साल का मैंने तेरे को एक ऑप्शनल पीरियड दे दिया बोलो यार क्या पीरियड दे दिया ऑप्शनल कि इस टाइम पर हम कैंसिल कर सकते हैं और अगर कैंसिल करेंगे तो उसकी कोई पेनल्टी वेनल्टी नहीं होगी समझो कैंसिलेबल पीरियड को नॉन कैंसिलेबल पीरियड से मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूं कैंसिलेबल पीरियड में था कि अगर कल को मैंने कैंसिल किया तो मुझे पेनल्टी हैवी देनी पड़ेगी तेरे को कॉम्पनसेट करने के लिए कल को तू नहीं किया तो तेरे को भी वही करना पड़ेगा पर कैंसिलेबल पीरियड क्या है तू चाहे तो कैंसिल कर लेना मैं तेरे से पेनल्टी नहीं मांगूंगा मैं चाहे तो कैंसिल कर लूंगा मैं तेरे से पेनल्टी नहीं मांगूंगा हम दोनों कैंसिल कर सकते हैं दोनों के पास राइट्स है मतलब कहीं ना कहीं नॉन इन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट नॉन इन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट पर लीज टर्म में कैंसलेबल पीरियड तभी आएगा जब क्या हो इट इज रीजनेबली सर्टेन कि वो हम can... मुझे पता है कि ना लेसर सामने वाला कैंसिल नहीं करेगा और मैं जा... मैं जानता हूं मैं तो कैंसिल करूंगा ही नहीं अब बताओ मुझे मैं जानता हूं कि लेसर सामने वाला कैंसिल नहीं करेगा ऐसा कैसे बोल सकता हूं ये सब सब अलग अलग डिपेंड करता है बहुत सारा सब्जेक्टिव चीजें हो सकती हैं मैं कैसे जानता हूं कि लेसर कैंसिल नहीं करेगा तो करेगा तो उसको नुकसान होगा कैसे नुकसान होगा यस yes, जितना रेंट मैं उसको दे रहा हूं आई नो वेरी वेल कि इसका रेंट लेसर को कहीं और नहीं मिल पाएगा तो लेसर तो कैंसिल करने से रहा आई सो टेक्निकली यहां पर कैंसलेबल पीरियड को भी लीज टर्म में रखा जा सकता है एक सेकेंड सर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं लीज टर्म पूरी कहानी लीज टर्म के ऊपर डिपेंड करती है थोड़ा सा रिवाइंड करवा रहा हूं थोड़ी देर पहले वाला प्लीज मेरे को सुन लेना मैंने आपको बोला था कि मैं आगे की ना दो बातें आपको पहले से बता देता हूं कि लेसी इस इंडेस में क्या बुक करता है दो चीजें बुक करता है आर ओ यू असेट और लीज लाइब्रेटी और लीज लाइब्रेटी क्या क्या बुक करता है जो भी वो फ्यूचर में पेमें पेमेंट करने वाला है फ्यूचर में कितने टर्म का लीज टर्म का जो पेमेंट करने वाला है अब लीज टर्म सात साल मानू कि दस साल मानू सात साल जो मैंडेटरी पीरियड है और तीन साल एक्स्ट्रा जो कैंसलेबल पीरियड है क्या मैं उसके भी प्रेजेंट वैल्यू निकालू कि नहीं अब वो डिपेंड करता है कि क्या रीजनेबली सर्टेन है कि ये तीन साल और एक्स्ट्रा चल जाएगा अगर चल जाएगा तो मैं प्रेजेंट वैल्यू दस साल की करूंगा अदरवाइज मैं प्रेजेंट वैल्यू सिर्फ सात साल की करूंगा बेसिकली हम ये ये वाला टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं लीस्ट टर्म क्योंकि इसके ऊपर कैलकुलेशन निर्भर करती है आपकी कि आप सात साल का प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे कि आप दस साल का प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे मेरी बात समझ आ रही नहीं हा? एक और चीज आएगी यहां पर प्लस क्या आनी चाहिए रिन्यूअल पीरियड देखो ना क्या लिखा है मुझे बताओ क्या है ये रिन्यूअल पीरियड मैंने बोल दिया कि दस साल के लिए लीज पे दे रहा हूं सात साल तो मैंडेटरी हो गया नेक्स्ट थ्री इयर्स के लिए तू कैंसिल कर सकता है और भी तेरे को दस साल से ज्यादा बढ़ाना है तो तू बढ़ा भी सकता है तो इसमें रिन्यूअल पीरियड भी आ जाएगा पर क्या रिन्यूअल पीरियड हर बार आएगा क्या नहीं रिन्यूअल पीरियड इफ इट इज रीजनेबली सर्टेन दैट क्या रीजनेबली सर्टेन दैट द ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज द रिन्यूअल ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज हाँ नहीं यू हैव टू चेक एट द इंसेप्शन हाँ ये बात आपने सही बोली मतलब कहीं ना कहीं रिन्यूअल पीरियड तो कैंसिलेबल पीरियड के बाद का ही है तो अगर आप तीन साल जोड़ रहे हो तो ही रिन्यूअल पीरियड जोड़ोगे अगर आप तीन साल ही नहीं जोड़ रहे हो तो रिन्यूअल पीरियड तो कहीं ना कहीं से जोड़ ही नहीं पाओगे ये बात भी फैक्ट है यह बात भी फैक्ट है बिल्कुल ठीक बोली आपने बात बट आपको यह जजमेंट कब करना पड़ेगा इंसेप्शन पे ही लेस ही करेगा Obviously, अभी हम लेसी के पॉइंट से, से बात कर रहे हैं ये है ये लेसी हैज टू मेक द जजमेंट एट द इंसेप्शन ओनली दैट माय नॉन कैंसिलेबल पीरियड इज सेवन इयर्स ओके मेरे को तो ये करना ही करना है क्योंकि इन्फोर्सेबल है लेसर के ऊपर भी एक लाइब्रेडी आ गई मेरे ऊपर भी एक लाइब्रेडी है कि कल को अगर कैंसिल करेंगे तो पेनल्टी भरनी पड़ेगी दूसरा कैंसलेबल पीरियड अरे यार मैं तो कैंसिल नहीं करूंगा मैं तो कंटिन्यू करूंगा और मुझे पता है कि लेसर लेसर भी कैंसिल can नहीं करेगा मेरे इतने अच्छे टर्म्स हैं उसके साथ नहीं होगा वो तो यहां पर डिपेंड करता है टर्म्स लेसर के साथ यहां पर डिपेंड करता है आ, कि मैं उसको कैसा पेमेंट करने वाला हूं है ना मैं उसको जो लीज रेंट देने वाला हूं मार्केट से वो लीज रेंट कैसे होंगे आगे चल के एक एक एस्टिमेशन बेसिकली एक एस्टिमेशन नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज सब्जेक्ट टू चेंज लीज सब्जेक्ट टू चेंज ऐसा नहीं कि पत्थर की लकीर हो गया कि सात तो चलो ठीक है सात तो है प्लस तीन तो प्लस तीन इज सब्जेक्ट टू चेंज आगे चल के हो सकता है दो साल बाद मेरा एस्टिमेशन बदल जाए मैं बोल दूंगी नहीं 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 कैंसल पीरियड नहीं नहीं।, नहीं, नहीं नहीं मैं तो कैंसिल करूंगा आगे पढ़ने वाले अपन थोड़ी देर बाद कि अगर आगे चल के कैंसिलेबल पीरियड चेंज हुआ या रिन्यूअल पीरियड चेंज हुआ तो मेरी लीज लाइबिलिटी पर फर्क पड़ जाएगा तो है हाँ अल्टीमेटली तो आगे चल के रीमेजरमेंट प्रिंसिपल पढ़ेंगे हम कि आगे चल के अगर चेंजेस होंगे तो क्या होगा बट एज फार एज इनिशियल लेवल इज कंसर्न एट इंसेप्शन लेसीज टू जज वॉट इज द लीज टर्म ज टू जज लीज टर्म क्या है लीज टर्म में क्या चीजें आएंगी बताना नॉन कैंसिल मतलब इन्फोर्सिबल पीरियड होता है भाई इनफोर्सिबल मतलब क्या था क्या मतलब मतलब मैं सू कर सकता सकता हूं तू सू कर सकता है कर है एक दूसरे को सकते हैं करना ही पड़ेगा ठीक है दूसरा अब ये पीरियड कौन सा होता है तू भी कुछ नहीं मेरा उखाड़ पाएगा मैं भी तेरा कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगा दोनों बिना एक दूसरे की इच्छा के कैंसिल भी कर लेंगे और पेनल्टी भी नहीं भर पाएंगे बट लगता है कि कैंसिलेबल पीरियड कैंसिल नहीं हो पाएगा तो मैं इसको प्लस कर दूंगा कैंसलेबल पीरियड जो है उस पीरियड में भी मैं यूज करूंगा ऐसे चांसेस हैं इट इज रीजनेबली सर्टेन दैट इट इज नॉट एक्सरसाइजेबल ठीक है तीसरा क्या रीन्यूअल पीरियड रिन्यूअल पीरियड मतलब ये बढ़ाएंगे ये ऐड क्यों करेंगे ये ऐड तभी करेंगे जब इट इज रीजनेबली सर्टेन की हम इसको एक्सरसाइज करेंगे अच्छा एक बात बताओ नहीं अभी से ही हम उसको प्लस कर देंगे हाँ नया कॉन्ट्रेक्ट नहीं बनेगा तो दिक्कत क्या है अगर इन द मीन वाइल बिजनेस कॉम्बिनेशन हो जाता है लेसी, लेसी का लेसी का लेसी को किसी कंपनी ने टेक ओवर कर लिया तो वो कंपनी वो कंपनी कंटिन्यू करेगी उन राइट्स को मैं बता रहा हूं ना क्या होगा एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एट द टाइम ऑफ बिजनेस एक्विजिशन उस टाइम पर एक्वायरर देखेगा कि रिमेनिंग लीज टर्म कितना है बेस्ड ऑन द प्रीवियस और और एग्रीमेंट रिमेनिंग लीज लीज टर्म के अकॉर्डिंग आर ओ यू ट को वो रीमेजर करेगा बस रीमेजर करेगा वो आर ओ यू यूट को तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना कंटिन्यू नहीं करना तो वो तो फिर छोड़ देगा फिर तो कुछ है। वो तो फिर टेक ओवर ही नहीं करेगा ना आर ओ यू अट को लेसी को वो एक्वायर कर रहा है तो लेसी की बुक्स में आर ओ यू अट मतलब लेसी की बुक्स में अट और लाइब्रेड दिख रही होगी लीज की तो वो उसको टेक ओवर ही नहीं करेगा वाइंडिंग आपके केस में वाइंडिंग आपके केस में क्या बोल रहे हो कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाएगा फिर तो वो तो पर आगे की सिचुएशन है हाँ अच्छा एक बात बताइए जरूरी है क्या कैंसिलेबल पीरियड और रिन्यूअल पीरियड दोनों हो एक कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है कैंसिलेबल पीरियड ना हो डायरेक्ट रिन्यूअल पीरियड हो हो सकता है डायरेक्ट नॉन कैंसिलेबल और रिन्यूअल हो कैंसिलेबल हो ही ना मैंने दस साल के लिए दिया आपको असेट दस साल मैंडेटरी है ऑप्शन दे रहा हूँ चार साल और कर सकते हो तो जरूरी, जरूरी कि हर बार ये तीन ही चीज़ें आएंगी कब नॉन कैंसलेबल तो आएगा ही आएगा उसके साथ ये दोनों आ सकते हैं या दोनों में से कोई एक आ सकता है ये दो ये समझ में आई आपको पॉइंट्स मैं फिर से पूछ रहा हूं नॉन कैंसलेबल पीरियड का मतलब क्या होता है जो इनफोर्सेबल नहीं है मतलब क्या सॉरी oh, जो इन्फोर्सेबल है और कैंसलेबल पीरियड का मतलब क्या होता है जो इन्फोर्सेबल पीरियड नहीं है ना व्हाट डू यू मीन बाय कि जो इन्फोर्सेबल पीरियड नहीं है मतलब इसका मतलब क्या है लेसर लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ लेसर और लेसी विदाउट एनी अदर पार्टीज इंटीमेशन वो कैंसिल कर सकता है और पेनल्टी पेनल्टी भी नहीं देनी पड़ेगी या लो पेनल्टी होगी वो ज्यादा कोई ऐसी कोई ऐसा कुछ नहीं होगा कि उससे कोई हम कॉम्पनसेट कर रहे हैं यही होगा हाँ अब अगर मैं बोलूं कि लेसर कैंसिल तभी कर सकता है जब वो लेसी से पहले पूछेगा और उसको पेनल्टी देना पड़ेगा थी थी। वो तो फिर एनफोर्सेबल हो गया ठीक है कुछ पॉइंट्स नीचे कुछ शायद केसेस आने वाले पहले अपन इसको पढ़ लेते हैं द नॉन कैंसलेबल पीरियड फॉर विच हैज द राइट

पीरियड ऑफ यूज बोलूंगा पीरियड ऑफ यूज या अमाउंट ऑफ यूज वो कैपेसिटी थी इकोनॉमिक बेनिफिट्स की मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मैक्सिमम टाइम आप यूज कर रहे हो पर बीस ज्यादा रिटर्न कमा रहा है कम कम यूज करके भी तो अमाउंट ऑफ यूज इंपॉर्टेंट है मैं उसको लिंक कर रहा हूं इकोनॉमिक बेनिफिट से हाँ हाँ आप उसको आई थिंक अमाउंट ऑफ यूज पकड़ रहे हो आप ठीक है वो आपके हिसाब से कॉन्ट्राडिक्ट्री हो जाएगा मेरे हिसाब से कॉन्ट्राडिक्टी इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं तो उधर इकोनॉमिक बेनिफिट्स को पकड़ रहा हूं आपने अमाउंट ऑफ यूज को पकड़ लिया अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं लीस्ट टर्म तो साफ साफ बोल दिया टर्म टर्म की बात कर रहे हैं हम यहां पर वहां पर इकोनॉमिक बेनिफिट्स को तो देख ही नहीं रहे क्योंकि मैंने उधर तो सिक्सटी फाइवेंट इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात की थी फिजिकली डिस्टिंग का मीनिंग मतलब वहां पर आइडेंटिफाइड एसेट बोला जा रहा होगा कि भाई वो फिजिकली डिस्टिंग मतलब टेक्निकली वो अलग सेपरेबल हो सेपरेबल फिजिकली डिस्टिंग मीन्स सेपरेबल बेसिकली यू कैन से वन ऑन फाइव में, में say, one, one, five, भी तो हमने पढ़ा था ना मतलब वो सेपरेटली यूज करने लायक हो सेपरेटली यूज करने लायक हो वो हाँ इन सम पोर्शन यस नहीं मैंने उसमें नीचे एक एग्जाम्पल दिया था ना बिल्डिंग वाला बीट इंटायरली और इन सम पोर्शन। अब वो डिपेंड करता है जैसे मैंने बोला कार तो कार का कोई पोर्शन फिजिकली अब समझो समझो समझ कार मैंने तेरे को लीज पर दी तो कार पूरी इंटायरली फिजिकली डिस्टिंक्ट होगी कार का एक पोर्शन फिजिकली डिस्टिंग अलग से नहीं हो सकता ये नहीं बोल सकता कि टायर मैं तेरे को दे रहा हूं मैं ये नहीं बोल सकता मैं तेरे को टायर लीज पे दे रहा हूं मैं तेरे को ना uh, इंजन लीज पे दे रहा हूं नहीं इट इज नॉट फिजिकली डिस्टिंक्ट द कार इज फिजिकली डिस्टिंग बट वेन आई से कि मैंने तेरे को बिल्डिंग दिया तो बिल्डिंग का फ्लोर नंबर सेकंड पर तेरे को 204 नंबर तेरे को फ्लैट दिया अब वो 204 नंबर फ्लैट इज फिजिकली डिस्टिंग दो इट इज अ पार्ट ऑफ एंटायर बिल्डिंग ट इज अ पोर्शन ऑफ दैट बिल्डिंग बट ऑल्सो इट इज फिजिकली डिस्टिंट सो इट डिपेंड्स ऑन असेट टू असेट कि कोई असेट्स फिजिकली डिस्टिंट अपने आप में इंटायरली ही होंगी और कुछ असेट्स फिजिकली डिस्टिंक्ट एक पूरे असेट का एक पोर्शन भी फिजिकली डिस्टिंक्ट होगी जनरली द एग्जाम्पल इज कार विच इज इंटायरली फिजिकली विच शुड भी इंटायरली फिजिकली डिस्टिंट उसके अंदर तू यह नहीं बोल सकता कि टायर्स इंजेंस सीट कवर्स ये सब फिजिकली डिस्टिंक्ट नहीं है हाँ होरिंदोर्ष आइडेंटिफाइड नहीं है क्लियर वो क्या चल रहा है ये वाला पॉइंट क्या था शॉर्टर वाला अगर नॉन कैंसिलेबल पीरियड शॉर्टेस्ट है और रेन्यूअल पीरियड दिया हुआ है तो मोर चांसेस है कि रेन्यूअल पीरियड एक्सरसाइजेबल होगा तो वो क्या बोलना चाह रहा है वो बोलना चाह रहा है अगर नॉन कैंसिलेबल पीरियड शॉर्टर है ना तो रेन्यूअल पीरियड तुम कंसिडर कर लेना लीज टर्म में क्यों भाई शॉर्ट शॉर्टर है बहुत ज़्यादा छोटा पीरियड है नॉन कैंसलेबल अब तू कैंस नॉन कैंसलेबल बहुत छोटा है उसका तू अगर रिन्यू नहीं करेगा तेरे को तो अपने बिजनेस में ये एसेट चाहिए तू कहीं और परचेज करने जाए मार्केट में तेरे को अल्टीमेटली हायर पे करना पड़ेगा बेटर है तू ऑप्शन रिन्यू ही करेगा तो द शॉर्टर द नॉन कैंसलेबल पीरियड द चांसेस फॉर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन ऑफ रिन्यूअल आर हायर उसने हिंट दिया है कि तू कैसे केस में लीस्ट हमें रिन्यूअल पीरियड को प्लस करेगा अगर नॉन कैंसलेबल पीरियड शॉर्टर रहेगा तो सो एट द रिन्यूअल पीरियड व्हेन द नॉन कैंसलेबल पीरियड इज शॉर्टर नहीं है सर में रिन्यूअल पीरियड को कंसीडर करो अगर नॉन कैंसलेबल पीरियड शॉर्टर है तो शॉर्ट है तो

किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सिबल नहीं बोलोगे अगर गौरव पंडा पहला पॉइंट क्या लिखा है एंड अरेंजमेंट इज नॉट इनफोर्सिबल इफ यस तो ये कौन सा पीरियड आ जाएगा कैंसिलेबल पीरियड आ जाएगा बोथ द लेसर एंड लेसी ईच हैव द राइट टू टर्मिनेट द लीज विदाउट परमिशन फ्रॉम अदर पार्टी एंड लिखा है और नहीं लिखा है बीच में एंड विथ नो मोर देन एन इनसिग्निफिकेंट पेनल्टी और अगर पेनल्टी देंगे भी तो वो नॉट मोर देन इनसिग्निफिकेंट अंडरस्टैंड और नॉट तो कोई भी कैंसलेबल पीरियड को कब माना जाएगा कैंसलेबल कैंसिलबल पीरियड कब माना जाएगा वेन बोथ लेसर एंड लेस आर हैविंग राइट्स टू टर्मिनेट विदाउट द परमिशन एंड द पेनल्टीज आर इनसिग्निफिकेंट देर आर नो और इनसिग्निफिकेंट पेनल्टीज तो यहां लिख दू नॉन इनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब बोथ लेसर लेसी हैव राइट टू टर्मिनेट या कैंसिल विदाउट अदर्स परमिशन और दूसरा नो और इन सिग्निफिकेंट पेनल्टीज ठीक है क्लियर क्लियर हुआ एक केस स्टडी रख रहा है वो आपके सामने देखे तो सपोज द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज टेन इयर्स

दोनों के पास क्या होना चाहिए टर्मिनेशन ऑप्शन होना चाहिए विदाउट द परमिशन यहां पर सिर्फ किसके पास ऑप्शन है लेसर के पास है और अगर लेसर के पास है तो लीज टर्म में छह साल प्लस चार साल दोनों आ जाएगा क्यों भाई छह साल तो आएगा ही आएगा नॉन कैंसिलबल पीरियड पर जो चार साल कैंसलेबल पीरियड है कैंसिल करने का अधिकार किसके पास है सिर्फ लेसर के पास क्या लेसी के पास अधिकार है लेसी के पास अधिकार नहीं है तो यहां पर माना जा सकता है कि अधिकार सिर्फ लेसर के पास है दैट मीन्स लेसर अगर कल को कैंसिल करता है तो वो लेसी को क्या करेगा कॉम्पनसेट करेगा आई मेरी बात में कि नहीं क्लियर छह साल प्लस चार साल हेयर लीस्ट टर्म विल बी कैंसिलबल एज वेल एज नॉन कैंसलेबल पीरियड मुझसे आप से वो पूछ कर रहे हैं। हमें क्या निकालना है का फॉर्मूला क्या होता है कितना पीरियड है छह तो साल छह साल तो आएगा ये का सब्जेक्ट मैटर है कि चार साल आएगा कि नहीं आएगा चार साल यहां पर मैं बोल रहा हूं फर्स्ट वाले में आएगा क्यों आएगा क्योंकि सिर्फ ऑप्शन टर्मिनेशन का किसके पास है लेसर के पास लेसी के पास है क्या चलते हैं कैंसिलबल पीरियड की डेफिनेशन में कैंसल पीरियड क्या होता है जो इन्फोर्सिबल ना हो दोनों की तरफ से दोनों की तरफ से इन्फोर्सिबल ना हो पर अब यहां क्या है एक की तरफ से इनफोर्सेबल है एक की तरफ से नॉन इन्फोर्सेबल है लेसर चाहे तो कैंसिल कर सकता है नॉन इन्फोर्सेबल पर लेसी कैंसिल नहीं कर सकता इसका मतलब ये नॉन कैंसिलेबल यहां पर यह टेक्निकली चार साल मुझे कवर करने पड़ेंगे क्योंकि कल को अगर लेसर ने कैंसिल किया तो उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा यहां पर ओवरऑल दस साल होगा हाँ 6 साल लॉक इन पीरियड है नॉन कैंसिलबल पीरियड बात बची कि चार साल मुझे लेना चाहिए कि नहीं ठीक है ना तो चार साल मुझे लेना चाहिए क्यों क्योंकि यह भी एक तरीके से नॉन कैंसिलेबल का ही पोर्शन हो गया क्योंकि कैंसिलेबल पीरियड क्या होता है जो दोनों तरफ से इन्फोर्सेबल नहीं है क्या ये चार साल दोनों तरफ से इनफोर्सेबल नहीं है क्या एक ये एक तरफ से है एक तरफ से नहीं है मतलब ये इट इज अ पार्ट ऑफ एज गुड एज इट इज नॉन इट एज गुड एज इट एज नॉन कैंसिलेबल क्यों नॉन कैंसिलेबल क्योंकि पहली बात तो लेस ही कैंसिल नहीं कर सकता कौन कर सकता है लेसर अगर लेसर ने कैंसिल किया लेसर हैज टू तो पे, पे पेनल्टी तो इट इज एज गुड एज नॉन कैंसिलेबल ना फिर से आ रहा हूं यहां पर छह साल तो करेक्ट होगा ही होगा पर क्या चार साल भी होगा चार साल होगा एज अ नॉन कैंसिलेबल की तरह ही क्यों क्योंकि जो चार साल का पीरियड है, है क्यों टर्मिनेशन राइट होने चाहिए विदाउट पेनल्टी क्या यहां पर टर्मिनेशन राइट लेसी के पास नहीं है तो लेसी के लिए तो ये चार साल का भी पीरियड नॉन कैंसिलेबल हो गया ना लेसी के लिए तो ये चार साल का पीरियड भी तो नॉन कैंसिलेबल हो गया ना अब बात करते हैं लेसर के लिए लेसर के लिए ये पीरियड ठीक है ऑप्शन है कि टर्मिनेट कर सकता है पर अगर उसने टर्मिनेट किया तो उसको पेनल्टी देना पड़ेगा तो इसका मतलब वो पेनल्टी अगर मान लो बचाना चाहता है तो उसको ये कंटिन्यू करना पड़ेगा तो एज गुड एज इट इज अ नॉन इयर्स इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज नॉन कैंसिलेबल पीरियड अंडरस्टूड और नॉट पढ़ लो इसका रीजन कैसे? हाँ, इज़ बाउंड इज़ ड्यूटी बाउंड की उसका तो दस साल हाँ पर वो जो एक्सप्रेसिट और इंप्लाइड था वो तो असेट के फॉर्म में था राइट टू यूज के लिए उसको इंप्लाइड मानना पड़ेगा इसको मैं अलग भाषा में बोलूं तो बेसिकली लेसी को इनिशियली एस्टिमेट करना पड़ेगा कि मैं वो चार साल कंसिडर करूं कि नहीं वो लेसर चार साल में कैंसिल कर सकता है कि नहीं कर सकता है क्या वो लेसर के पास टर्मिनेशन लाइट्स तो हैं पर क्या लेसर उस स्थिति पे है कि वो कैंसिल करने के पोजीशन पे है कि नहीं क्या वो कैंसिल करने की पोजीशन पे नहीं है तो इसका मतलब मुझे दस साल ही लेने पड़ेंगे एस्टिमेशन होगा बेसिकली एस्टिमेशन होगा टोटली एस्टिमेशन होगा यस जरमेंट रीमेजर remeasure करना पड़ेगा अगर मान लो हमने शुरू में कुछ और ले लिया और बाद में कुछ और सिचुएशन हो गई तो वी हैव टू रीमेजर ठीक है दूसरा क्या बोल द टर्मिनेशन ऑप्शन इज विथ लेसी, तो लेसी बोलेगा यार मेरे पास टर्मिनेशन ऑप्शन है लेसर के पास तो नहीं है ना कैंसिलेबल पीरियड के लिए क्या होना चाहिए दोनों के पास टर्मिनेशन ऑप्शन होना चाहिए लेसर के पास तो नहीं है मेरे पास है अब मैं अपना मैं अपना तो जजमेंटल हूं ना मैं तो अपना बोल शुरू में बोल दूंगा कि यार क्या लगता है रीजनेबली सर्टन है कि नहीं थी ना कंडीशन रीजनेबली सर्टन नॉट टू एक्सरसाइज तो यहां पर अगर रीजनेबली सर्टन है कि मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा अपना ऑप्शन तो मैं क्या मानूंगा दस साल अंडरस्टूड और नॉट और इधर क्या है इफ द टर्मिनेशन ऑप्शन इज विथ बोथ टर्मिनेशन ऑप्शन दोनों के पास है एनी पार्टी कैन टर्मिनेट दोनों में दोनों में से कोई भी टर्मिनेट कर सकता है दोनों में से कोई भी टर्मिनेट कर सकता है फर्स्ट कॉलम में आ रहा है ओनली लेसर इज हैविंग राइट सेकंड पॉइंट में आ रहा है ओनली लेसी इज हैविंग राइट थर्ड पॉइंट में आ रहा है बोथ लेसर एंड लेसी आर हैविंग राइट्स आइदर पार्टी मतलब अब लेसर चाहेगा कि छह साल बाद मुझे तेरे को नहीं देना है तो वो कैंसिल कर लेगा इट इज ओपन फॉर बोथ हाँ वही हो गया ना ऊपर हमने पढ़ा था ना कैंसलेबल पीरियड इफ इट इज रीजनेबली रीजनेबल दैट लेस ही डज नॉट एक्साइज दिस ऑप्शन आप इसको ऑल्टरनेट टू भी लिख सकते हो कि इफ इट इज नॉट रीजनेबली सर्टन देन इट मे भी सिक्स ईयर्स इट मे बी सिक्स ईयर्स रियल लाइफ केसेस को समझो ये तो ठीक है क्वेश्चन है रियल लाइफ केसेस में इन डेज ये कहना चाह रहा है कि तुम्हें नॉन कैंसलेबल पीरियड तो लेना ही लेना है कैंसलेबल पीरियड तुम्हें सोच समझ के लेना है कैंसलेबल पीरियड तुम तभी लोगे जब रीजनेबली सर्टन है कि तुम उसको कैंसिल नहीं करोगे ये ऑप्शन तुम अवेल नहीं करोगे कैंसिल करने का पर अगर तुम्हें चांसेस हैं, तुम्हें कुछ थोड़े बहुत भी चांसेस कैंसिल का ऑप्शन अवेल कर सकते हो तो छोड़ दो भाई फिर तुम इसको नहीं लोगे ठीक है किधर स दो देर इज नोब इन्फोर्सेबल ऑब्लिगेशन फ्रॉम लेसीज पॉइंट ऑफ व्यू बियॉन्ड सिक्स ईयर बट बेस इज दैड एजम्शन द लीस्ट हम हां भाई छह साल बाद उसकी ऑब्लिगेशन नहीं ना कंटिन्यू करने की वो चाहे तो डिस्कटिन्यू कर दे उसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है बट देन टू ही इज एक्सपेक्टिंग इन नहीं यार मैं करूंगा इट इज़ रीज़नेबली सर्टेन कि मैं सातवां साल आठवां साल नवा साल और दसवां साल भी कंटिन्यू करूंगा हालांकि मेरी जब तक लेसर कैंसिल नहीं कर देता तब तक मुझे चलानी पड़ेगी जब तक लेसर कैंसिल नहीं कर देता यहां पर वो ड्यूटी बाउंड नहीं है बट उसके बाद भी वो रीजनेबली सर्टेन बोल रहा है कि नहीं यार मैं कंटिन्यू कर लूंगा और इधर ऑब्वियसली बोथ पार्टीज कैन टर्मिनेट में अपन ये समझ रहे हैं कि दोनों बिना किसी कंसेंट के कैंसिल हाँ, कर सकते हैं। हाँ मतलब दोनों के पास इन्फोर्स मतलब दोनों ड्यूटी बाउंड नहीं है दोनों के पास राइट है मतलब दोनों ड्यूटी बाउंड नहीं है यही हुआ ना सी ये ना सिंपली एक केस है कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहां पर भी क्लियर नहीं है ना इफ द टर्मिनेशन ऑप्शन इज विथ बोथ मैंने यहां पर क्या लिखा कि विथ पेनल्टी और विदाउट अगर मैं लिख दूं विथ हैवी पेनल्टी साला पूरी कंडीशन बदल जाएगी पूरी कंडीशन बदल जाएगी साला फिर बताओ फिर लेसर अगर कैंसिल करना चाहेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा पेनल्टी फिर तो जजमेंटल हो जाएगा पूरा एग्जैक्टली exactly. अच्छा आप बताओ एज अ लेसी अगर आपके सामने ये कंडीशन आ जाए आप सेफ प्ले अगर खेलो खेलना चाहोगे तो आप क्या मानोगे मैं तो साल पे हो सकता है शायद मुझे और कोई प्रोजेक्ट मिल जाए और कहीं मिल जाए है ना मैं अपनी कंडीशन जज कर सकता हूं मैं सामने वाले की कंडीशन थोड़ी जज कर सकता हूं क्योंकि लिखा हुआ है बोथ आर ऑप्शन समझो ना बोथ आर हैविंग ऑप्शन मैं सामने वाले की कंडीशन थोड़ी चेंज कर सकता हूं टेल मी पर मैं जानता हूं अब मैं अपना कंडीशन चेंज कर रहा हूं समझो मैं सामने वाले की कंडीशन नहीं समझ पा रहा हूं कि वो कैंसिल कं करेगा कि नहीं पर मैं जानता हूं कि उसकी इतनी औकात नहीं है पेनल्टी भरने की अब बोलो लेसी नोज वेरी वेल कि लेसर के बस की नहीं है इतनी औकात नहीं है अगर उसने कैंसिल कर दिया ना छठे साल बाद वो इतनी पेनल्टी भर नहीं पाएगा अब बताओ मैं बोलूंगा दस साल क्यों क्योंकि हैवी पेनल्टी है दोनों के पास ऑप्शन जरूर है पर पेनल्टी का क्लॉज ही इतना खतरनाक डाल दिया है कि पता है कि हम कैंसिल नहीं कर पाएंगे हाँ, बिल्कुल ये भी अकाउंटिंग भी डिफर हो सकती है कि लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिस्ट हम दस साल हो गया और लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिस्ट हम छह साल हो गया ये होगा बिल्कुल हो सकता है बिल्कुल हो सकता है हाँ, हां यहां जैसे ही मैंने लिख दिया विथ हैवी पेनल्टी तो ये पीरियड नॉन कैंसेबल हो गया ये कैंसिलेबल है ही नहीं क्योंकि कैंसेबल के लिए डेफिनेशन क्या है बोथ पार्टीज हैव द राइट टू टर्मिनेट प्लस नो पेनल्टी और इनसिग्निफिकेंट पेनल्टी यहां जैसे मैंने लिख दिया हैवी पेनल्टी तो ये तो कहीं ना कहीं नॉन कैंसिलबल का पीरियड का पार्ट हो गया टर्म so, में तीन चीजें है ना टेल मी गाइस क्लियर हुआ यहां तक हा दो पांच मिनट ब्रेक ले लो फिर आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं गाइस ठीक है आ, पहले काम करोगे आगे बढ़ोगे कि कुछ क्वेश्चन करोगे पार्ट थ्री के लिए आगे बढ़ें कि पहले इसके कुछ क्वेश्चन कर लें डिस्कस लीज के ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करना पड़ेगा ना कर लें हमने लास्ट एलेवेन नंबर तक डिस्कस किया था ट्वेल्थ अभी नहीं करना है हमने वो पॉइंट अभी नहीं किया डिस्कस थर्टींथ भी नहीं फोर्टींथ भी नहीं 15 15th, से 15th. entity ABC एबीसी इंटर्स a अ लीज फॉर इक्विपमेंट includes इंक्लूड्स अ नॉन term टर्म ऑफ सिक्स and एंड टू ईयर fixed प्राइस रिन्यूअल ऑप्शन विथ फ्यूचर लीज पेमेंट दैट आर इंटेंडेड टू अप्रॉक्सीमेट मार्केट रेट एट लीज इंसेप्शन मतलब नॉन कैंसरेबल पीरियड तो छह साल का है दो साल आप बढ़ा सकते हो प्राइस कितना रहेगा मार्केट रेट के बराबर रहेगा देर आर नो टर्मिनेशन पेनल्टीज और अदर फैक्टर्स इंडिकेटिंग दैट एंटीडी ए बी सी इज रीजनेबली सर्टन टू एक्सरसाइज द रिन्यूअल ऑप्शन देर आर नो टर्मिनेशन पेनल्टीज और अदर फैक्टर्स इंडिकेटिंग टर्मिनेशन पेनल्टीज तो नहीं है और अदर फैक्टर्स इंडिकेटिंग दैट एन डी डी ए बी सी इज रीजनेबली सर्टन टू एक्सरसाइज द रिन्यूअल ऑप्शन क्या करेंगे आपको नहीं लगता जो पेनल्टी वाला पॉइंट होता है वो कैंसलेबल पीरियड के लिए होता है रिन्यूअल के लिए होता ही नहीं है यार रिन्यूअल की बात कर रहा है इंक्लूड तो करना पड़ेगा प्राइमा फेस ही दिख रहा है कि अदर फैक्टर्स इंडिकेट इन दिस रीजनेबली सर्टेन टू एक्साइज द रिन्यूअल ऑप्शन तो व्हाट शुड बी द लीस्ट टर्म एट सिनेरियो बी scenario number b xyz enters into a lease for a building that includes a non cancellable term of 8 years and a 2 year market price renewal option before it takes possession of the building entity xyz pays for leasehold improvements the leasehold improvements are expected to have significant value at the end of 8 years and that value can only be realized through continued occupancy of the leased प्रॉपर्टी वॉट इज द लीज टर्म नॉन कैंसिलबल टर्म ऑफ एट ईयर एंड अ टू ईयर मार्केट प्राइस रिन्यूअल ऑप्शन समझो पहले आठ साल तो नॉन कैंसिलेबल है दो साल वो और यूज कर सकता है रिन्यूअल का अब हुआ क्या था शुरू शुरू में पोजिशन लेने के साथ साथ मैंने उसके ऊपर इतना खर्चा कर दिया कि वो खर्चे का उपयोग मतलब खर्चे का बेनिफिट इवन आठ साल के बाद भी मिलेगा हा बट इट टेक बिफोर इट टेक्स पोजिशन ऑफ द बिल्डिंग एक्स एंटीडी एक्सवाइजेड पेस फॉर लीज होल्ड इंप्रूवमेंट अरे मैंने कुछ इंप्रूवमेंट uh, मतलब रिनोवेशन वगैरह करवाए द लीज होल्ड इंप्रूवेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव सिग्निफिकेंट वैल्यू एट द एंड ऑफ एट ईयर एंड दैट वैल्यू कैन बी रिलाइज ओनली अपॉन ओनली थ्रू कंटिन्यूड ऑक्यूपेंसी ऑफ द लीज प्रॉपर्टी यार सीधी बात है सामने वाला खर्चा कर रहा है यार खुद के लिए करेगा तो डेफिनेटली वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि मैं इसको रिन्यू करूंगा जनरली मतलब इट शुड बी टेन इयर्स व्हाई इट इज इन द पोजीशन टू रिकवर दैट टू इयर्स आल्सो और वो रीजनेबली चाहेगा कि मैं उसको रिकवर करना करूंगा तो हेयर एट ईयर्स हेयर टेन सिनेरियो सी एंटिटी

अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टाइम पे ही मिलेगा सीजनल होगा मान लो तो वो उसी टाइम पे मिलेगा द लेसर अग्रीज टू प्रोवाइड द सेम रिटेल स्पेस फॉर ईच ऑफ द सेवन ईयर वॉट इज द लीस्ट टर्म वॉट इज द लीस्ट टर्म लीस्ट टर्म विल बी द सेवन ईयर इसमें नॉन कंजुटिव पीरियड है हम बोल देंगे भाई इसमें नॉन कंजुटिव पीरियड शामिल है ना नॉन कंजिक्यूटिव पीरियड शामिल है ना क्या साल में बारह महीने मिल रहा है कि तीन तीन महीने मिल रहा है तो नॉन कंजिक्यूटिव पीरियड हुआ ना बोलो ना टेक्निकली नॉन कंजिक्यूटिव पीरियड कितना हुआ तीन महीने इंटू सेवन ट्वेंटी ट्वेंटी वन मंथस ठीक है तो ट्वेंटी वन मंथस के लिए आपको लीज पे मिला मतलब और पीरियड ऑफ यूज अरे पीरियड ऑफ टाइम लीस्ट टर्म कितना है सेवन ईयर्स आउट ऑफ दैट ट्वेंटी वन are आर एक्चुअली द पीरियड ऑफ टाइम अरे अमाउंट ऑफ यूज आया समझ में कि नहीं आंसर में देख लेते भैया पहले का आंसर तो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है क्या लिखा है एट द लीस कमेसमेंट डेट द लीस टर्म इज सिक्स इयर्स बिंग द नॉन कैंसल पीरियड द न्यू ऑप्शन टू ईयर इज नॉट टेकन इन टू कंसिडेशन इट इज मैं सी इज नॉट रीजेबल सर नॉट

मॉडल निकाल सकते हो क्या मिनट मॉडल निकालना ऐसे कैसे हो गया यार पंद्रह नंबर क्वेश्चन ही होगा पंद्रह नंबर ही होना चाहिए मैंने कोशिश करके मैंने चेंज नहीं किया है ब्रेक नहीं किया बीच में पंद्रह नंबर है क्या हाँ पंद्रह नंबर नम्ब। सोलह नंबर है सोलह नंबर वही तो है क्या करते हैं ये लोग हद दे अदर फैक्टर्स इंडिकेटिंग दैट एंटिटी एबीसी इज रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज द रिन्यूअल ऑप्शन हमारे हिसाब से कितना है ट ईयर्स ये गलत लिख दिया रिन्यूअल इज ऑफ टू ईर्स इज नॉट टेकन ये गड़बड़ है इट शुड बी एट ईयर्स इट इज मैंशन दैट इट इट इंडिकेट दैट इट इज रीजनेबली सर्टन टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ठीक है दूसरे का हमारा आंसर क्या था टेन Yes, the answer is 10. Being 8 years of non-cancelable plus the renewal period of 2 years, where the lessee is reasonably certain to exercise the option. At the lease commencement, entity XYZ determines that it is reasonably certain to exercise the renewal option because it would suffer a significant economic penalty if it abandoned the leasehold improvements at the end of initial non-cancellable period of eight years. लास्ट में क्या है अपना लास्ट वाला आंसर क्या था अच्छा वो तीन इक्कीस महीने हाँ ठीक है द लीस्ट हम इस इक्कीस महीने थ्री मंथ्स पर ईयर ओवर द सेवन ईयर एनुअल पीरियड एज अ पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द पीरियड ओवर विच एंटिटी पीक्यूआर कंट्रोल्स द राइट टू यूज द अंडरलाइंग असेट सो ट्वेंटी मंथ्स विल बी द पीरियड ऑफ यूज अंडरस्टुड मतलब लीस्ट टर्म गाइज अंडरस्टुड और नॉट सिक्सटीन रिटेलर एम इंटर्स इनटू अ फाइव ईयर लीज फॉर अ बिल्डिंग फ्लोर फॉलोड बाय टू सक्सेसिव फाइव ईयर रिन्यूअल ऑप्शन टू सक्सेसिव फाइव ईयर रिन्यूअल ऑप्शन मतलब और टेन ईयर्स। ऑन द कमेंसमेंट डेट रिटेलर एम इज नॉट इधर भाई नॉट लिखा है भाई जान बुझ के पढ़ो नॉट, रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज द एक्सटेंशन ऑप्शन एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर रिटेलर एम एक्सटेंडेड टू इंक्लूड अनदर फ्लोर फ्रॉम ईयर फोर ड्यू टू अ बिजनेस एक्विशन फॉर दिस पर्पज लेसी कंक्लूड्स अ सेपरेट सेवन ईयर लीज फॉर एन एडिशनल फ्लोर इन द बिल्डिंग ऑलरेडी लीज्ड मतलब ज रिटर्न M required to टू रीअसेज द लीज टर्म इन दिस केस इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो क्योंकि रीअसेसमेंट वाला पॉइंट अभी मैंने बताया नहीं है रीअसेसमेंट पे अभी हम डिस्कशन थोड़ा सा अभी करने वाले हैं, तो थोड़ा सा छोड़ दो मैं एक्चुअली ये हम क्वेश्चन समय से पहले उठा रहे हैं ये क्वेश्चन छोड़ दो क्या आगे अच्छा रीअसेसमेंट ऑफ नॉन कैंसरेबल पीरियड हाँ ठीक है छोड़ दो फिर फिर छोड़ दो बस एक ही क्वेश्चन था वो रीअसेसमेंट पे अभी कुछ बातें करने वाले हैं अपन हाँ अब आता है मेन मुद्दा माय फेवरेट पार्ट पार्ट नंबर थ्री सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा आने के चांसेस इस पार्ट थ्री में से हैं सबसे ज्यादा आने के चांसेस क्वेश्चन आने के चांसेस इस पार्ट थ्री में है क्यों यही तो चेंज हुआ है इंडेस 116 ने लेसी की ही तो अकाउंटिंग चेंज की ना बुक्स ऑफ लेसी की बात करने वाले हम उसने लेसर की थोड़ी बुक्स चेंज की है इंडेस 116 में जो लेसर की अकाउंटिंग है वो वही अकाउंटिंग दे दी गई है पिटी जो हम ए एस नाइनटीन में पढ़ते आ रहे हैं और जो पहले के इंडिया सत्रह में हुआ करता था जो मेजर चेंज हुआ है वो यही हुआ है रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ लीज कॉन्ट्रैक्ट इन द बुक्स ऑफ लेसी, ठीक है? थोड़ा सा मैं पीछे जा रहा हूं आपके बचपन के दिनों में बचपन के दिन मतलब इंटरमीडिएट डेज इंटरमीडिएट आईपीसीसी डेज उस टाइम पर आपने ए एस नाइनटीन अगर ढंग से पढ़ा होगा या अगर याद है थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ाया गया होगा कि लेसर और लेसी दोनों के पास एक क्लासिफिकेशन रहता है कि या तो वो ऑपरेटिंग लीज माने या तो वो फिर फाइनेंस लीज माने हम बात कर रहे हैं अभी लेसी पर अगर लेसी ऑपरेटिंग लीज लेस मानता है तो अपनी बुक्स में असेट वसेट कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेगा पर लेसी अगर फाइनेंस लीज मानता है तो वो अपनी बुक्स में असेट को रिकॉर्ड कर लेगा इंडिया वन वन सिक्स ने बोला क्या बकवास बातें कर रहे हो सेट माने असिट नहीं माने अरे भैया इंडियस वन वन सिक्स ने बोला अगर मैं दस दिन के लिए भी लीज पे दे रहा हूं तो दस दिन के लिए राइट टू कंट्रोल तो आ गया ना तो तू अट मत बना पर दस दिन का तू राइट तो डेवलप करेगा ना अपनी बुक्स में कुछ आ रहा है समझ में अगर इंडेस वन वन सिक्स की भावनाओं को समझ जाओगे ना तो इंडेस वन वन सिक्स के इस पार्ट थ्री से ना प्यार हो जाएगा बढ़िया लॉजिक समझ में आ जाएगा वॉट इंडेस वन वन सिक्स इज यार तेरे को चाहे दस दिन के लिए असेंट मिला तेरे को चाहे दस साल के लिए मिला तेरे को सौ दिन के लिए मिला अगर तेरे को दस दिन के लिए मिला दस दिन के लिए तेरे को राइट टू कंट्रोल पूरा मिला कि नहीं मिला ये बता अगर तेरे को दस दिन के लिए भी राइट टू कंट्रोल मिला है मतलब तू मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट्स खुद ही जनरेट कर पा रहा है तू डायरेक्ट राइट टू डायरेक्ट द यूज भी तेरे पास है तो तू वो दस दिन की असेट अपनी बुक्स में क्रिएट करेगा ये थोड़ी बोल रहा हूं कि तू दस दिन असेट दिखाएगा ये बोल रहा हूं तू तो दस दिन का राइट अपनी बुक्स में दिखाएगा यू हैव टू रिकॉग्नाइज द राइट एज एन असेट इन योर बुक्स यू डोंट नीड टू रिकॉग्नाइज द पीपी एज अ फिजिकल असेट इन योर बुक्स डू नॉट रिकोगनाइज फिजिकल असेट ट्राई टू अंडरस्टैंड द खतरनाक पॉइंट मतलब नाउ अंडर इंडियाज वन वन सिक्स लेज वेल एज लेसर बोथ विल रिकोग्नाइज द असेट लेसर विल रिकोगनाइज द फिजिकल असेट अंडरस्टूड अवर नॉट एंड लेसीट लेसी एंड लेसर बोथ विल रिकोगनाइज दाइमल्टेनियसली बट देर इज अ डिफरेंस इन दीज टू वाई बिकॉज वेन द लेसर इज रिक विदेट तो लेसर को लेसर असेट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मान लो सपोज बिल्डिंग है बिल्डिंग मैंने बीस साल में इकोनॉमिक लाइफ एक्सपेक्ट कर रहा हूं एज अ लेसर मैं बीस साल इकोनॉमिक लाइफ एक्सपेक्ट कर रहा हूं और मैंने गौरव को बिल्डिंग दी है दो साल की लीज पर कितने साल की लीज पर दो साल और रिन्यूअल ऑप्शन नहीं दिया रिन्यूअल ऑप्शन नहीं दिया मुझे पक्का पता है कि दो साल बाद मुझे वापस आएगी मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया मैं मैं डिटरमाइंड हूं कि साल के ऊपर लीज नहीं बढ़ाऊंगा बताइए लेसर इस अपनी बुक्स में असेट को दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा पहले साल से लेकर बीस साल तक दिखाएगा ही दिखाएगा मेरी बात समझ में आ रही है नहीं अरे बोलो ना और लेस अपनी बुक्स में असेट दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा असेट एज अ फिजिकल असेट नहीं दिखाएगा क्या दिखाएगा राइट टू यूज द असेट फॉर टू ईयर्स अरे बोलो रे क्लियर हुआ कि नहीं सो साइमल्टेनियसली दोनों व्यक्ति अपनी अपनी बुक्स में अट दिखाएंगे पर अपनी अपनी बुक्स में असेट दिखाने का तरीका अलग अलग होगा लेसर एज फार एस लेसर इज कंसर्न लेसर विल रिकॉग्नाइज द असेट बिल्डिंग एट कॉस्ट अरे इंडिया सिक्सटीन बट इंडिया वन वन सिक्स लेसी विल नॉट रिकोग्नाइज द राइट एट कॉस्ट विल डिटरमाइन कि वो इन दो सालों में क्या क्या पे कर रहा है इस राइट को पाने के लिए इस राइट को पाने के लिए वो लीज रेंट दे रहा है हां दे रहा है और क्या दे रहा है क्या कोई और इनिशियल डायरेक्ट खर्चे कर रहा है क्या इस राइट को पाने के लिए हां वो डायरेक्ट खर्चे कर रहा है उन सबका प्रेजेंट वैल्यू पे आज वो अपने इस राइट को बुक करेगा मेरी बात समझ में आ रही नहीं उन सब चीजों को बुक करेगा नॉट पक्का अभी तक मैंने आपको क्या चीजें बताई हैं क्या होने वाला है क्या होने वाला है लेसी अपनी बुक्स में असेट के रिस्पेक्ट में राइट्स को असेट दिखाएगा राइट टू तो यूज असेट दिखाएगा जिसको अपन बोलेंगे आर ओ यू असेट क्या बोलेंगे आर ओ यू राइट ऑफ असेट आ, राइट ऑफ यूज असेट दिखाएगा और लेसर भी अपनी बुक्स में कंटिन्यूअसली असेट को दिखाता रहेगा फर्क क्या है लेसर तो अपनी बुक्स में असेट को उसकी कॉस्ट पे दिखाएगा पर लेसी किस पे दिखाएगा प्रेजेंट वैल्यू पे दिखाएगा जो भी वो पे करने वाला है आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं हां उसका एसेंस दिखाएगा सो लेट स्टार्ट लेसी अपनी बुक्स में दो चीजें रिकॉग्नाइज करेगा आर ओ यू असेट और लीज लाइब्रेटी क्या रिकॉग्नाइज करेगा आर ओ यू असेट और लीज लाइब्रेटी पहले जर्नल एंट्री वाइज थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं अमाउंट पर अभी अभी फोकस मत करिएगा एंट्री क्या करेगा कमेंसमेंट पर अच्छा कौन सी डेट पे एंट्री करेगा इंसेप्शन की कमेंसमेंट कमेंसमेंट पे इंसेप्शन पे नहीं है हाँ ना उस पर तो डिफाइन डिसाइड uh, होता है कि हम लीज कॉन्ट्रैक्ट माने कि नहीं माने हाँ बताइए क्या एंट्री पास करेगा लेसी अपनी बुक्स में हां क्या एंट्री पास करेगा आर ओ यू yes. असेट अकाउंट डेबिट टू yes. लीज yes. लाइबिलिटी ये दोनों अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं याद रखेगा ये दोनों अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं गाइस अंडरस्टूड और नॉट दोनों सेम वैल्यूज भी हो सकती हैं दोनों अलग अलग भी हो सकती हैं मैं बता रहा जा रहा जा हूं एक एक करके पॉइंट में आपको कि कैसे कैसे अलग अलग हो सकता है अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आर ओ यू सेट एंड लीज लाइब्रेरी अपनी बुक्स में अगर सर ये सेम अमाउंट हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है पर अगर अलग अलग अमाउंट हुआ तो इस एंट्री इस में डिफरेंस आएगा आएगा कि नहीं आएगा प्लीज गाइज थोड़ा सा मैं आप स्लो स्लो चल रहा हूं और अभी बुक से नहीं अभी मेरे मेरे बस बातें सुनते जाइए प्लीज अभी ध्यान से मेरी बातें सुनते जाइए सबसे पहली चीज कुछ बातों को पहले समझिए क्या क्या हम डायरेक्ट बात करने वाले सबसे पहले लीज़ पेमेंट हमें सबसे पहली चीज डिफाइन करनी है लीज पेमेंट लीज पेमेंट क्या होता है लीज पेमेंट जो हम राइट टू यूज हमें मिला है उसका पेमेंट एस पर इंडियस वन वन सिक्स लीज पेमेंट में क्या क्या आता है पहला फिक्स्ड अग्रीड पेमेंट्स जो भी अग्रीड हुए हैं फिक्स्ड अग्रीड पेमेंट्स अरे बोलो यस और नो ये तो बिल्कुल आएगा ही आएगा बोलो दूसरा इन सबस्टेंस फिक्स्ड पेमेंट्स सर ये क्या है इन सबस्टेंस फिक्स्ड पेमेंट्स इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट मतलब पेमेंट जो फिक्स तो नहीं है वेरिएबल है पर वो अनबल है एक तरीके से उसका मतलब उसको रखा गया वेरिएबिलिटी में बट पता है कि ये तो पे करना ही पड़ेगा एग्जाम्पल के रूप में चलते हैं मैम मैंने आपको ये रूम रेंट पे दिया ठीक है ये रूम मैंने मैम को रेंट पे दिया और मैंने बोला मैम को कि मैं आपसे हजार रुपए किराया लूंगा बस देखो यही 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 रिएक्शन चाहिए था मुझे यस yes, एक्चुअली मैं आपसे एक हजार रुपए किराया लूंगा जब तक आपका फीस का रेवेन्यू आपके स्टूडेंट से आपका फीस का रेवेन्यू जब तक मिनिमम आपका पर मंथ पचास हजार नहीं हो जाता जब तक आपका मिनिमम पचास हजार नहीं हो जाता फीस का रेवेन्यू मैं आपसे एक हजार रुपए पर मंथ रेंट लूंगा अंदरूनी मैं जानता हूं कि पहले दिन से ही दो लाख का टर्न होने वाला है दो लाख का टर्न पहले दिन से ही होने वाला है अगर पचास हजार से ऊपर रेवेन्यू हो गया माई पर मंथ रेंट वुड बी फोर्टी टेल मी पर मंथ रेंट वुड बी फोर्टी थाउजेंड इस बात को प्लीज सीरियसली समझो मैं अभी क्या बोल रहा हूं वट इज दिस इन सबस्टेंस फिक्स पेमेंट फोर्टी थाउजेंड फिक्स है क्या फिक्स नहीं है पर एक्चुअली मैं कंडीशन अगर देखें तो ये अनबल है क्या है ये अनअवॉइड ये है वेरी ये वेरिएबल है वेरिएबल क्यों है कंडीशन पर डिपेंड करता है पर कंडीशन ही ऐसी डाल दी है कि वो किसी भी हाल में सेटिस्फाई होगी ही होगी कुछ भी हो जाए अरे आया समझ में कि नहीं हाँ होगी होगी तो उसको बोलते हैं इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट मतलब द पेमेंट्स आर वेरिएबल बट अन अवॉइडेबल क्या बोलूं मैं वेरिएबल बट अन अवॉइडेबल वेरिएबल बट अन अवॉइडेबल समझ में मेरी बात आई कि नहीं फिर से पर फिर से बोल रहा हूं हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा मैं क्या पढ़ा रहा हूं लीज पेमेंट लीज पेमेंट में क्या क्या आएगा सबसे पहला थोड़ा जोश दिखाओ लीज पेमेंट क्या क्या आएगा सबसे पहले फिक्स पेमेंट एग्री पेमेंट जो होगा प्लस वेरिएबल बट अनबल मतलब इन सबस्टेंस फिक्स पेमेंट वो फिक्स है ही एक तरीके से वो फिक्स है बाय नेचर ठीक है तीसरा लेस इंसेंटिव्स

अगर मैं वो लीज कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं लेसर के साथ तो मुझे कुछ लेसर इंसेंटिव देगा या कुछ री देगा मैंने कुछ खर्चे किए हैं पे जो कि मुझे वो रीइंबर्स करेगा आई मेरी बात समझ में नहीं सो इंसेंटिव आर नथिंग इट इज जस्ट री अरे ऑब्वियसली मेरा इनफ्लो रहा है मेरा बच रहा है ना पेमेंट ठीक है और क्या आएगा और क्या आएगा वेरिएबल लीज मेंट इफ बेस्ड ऑन इंडेक्स और रेट ओनली इफ बेस्ड ऑन इंडेक्स बहुत खतरनाक पॉइंट डाल दिया ये उन्होंने इफ बेस्ड ऑन इंडेक्स और रेट ओनली वेरिएबल लीज पेमेंट वेरिएबल लीज पेमेंट मतलब जो फिक्स नहीं है ठीक है ना जो फिक्स नहीं है ये इन सबसेंस फिक्स पेमेंट ये भी कहीं ना कहीं एक फिक्स ही है पर वेरिएबल लीज पेमेंट मतलब हर साल फ्लक्चुएट करता रहेगा पर वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर इंडेक्स यस इन्फ्लेशन मतलब मैंने बोला कि आपका इस साल का किराया है वन लाख रुपीज पर मंथ अगले साल से आपका किराया बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन बढ़ेगा क्या मैं लू अभी इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है फॉर एग्जाम्पल फाइव परसेंट तो मैं क्या करूंगा आज से ही और मेरा ये लीज कॉन्ट्रैक्ट कितना है कितना है दस साल का मैं आज से ही डिसाइड कर लूंगा कि पहले साल एक लाख दूसरे साल एक लाख पाँच हजार उसके बाद एक लाख पाँच हजार प्लस पाँच परसेंट फिर प्लस पाँच मैं पहले साल से ही डिसाइड कर लूंगा सर अगले साल अगर इन्फ्लेशन रेट चेंज हो गया तो तो मैं रीएस्टिमेट करूंगा रीएस्टिमेट तो हर साल होना ही होना है एक और एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल मैंने परेश आपको अपनी कार दी और मैंने बोला कि फिक्स पेमेंट आई विल चार्ज यू रुपीज़ थर्टी थाउजेंड पर मंथ ठीक है ना इन सब सेंस फिक्स पेमेंट कुछ भी नहीं है ठीक है ना इंसेंटिव मैं आपको कुछ भी वापस नहीं दे रहा हूँ कुछ भी नहीं है हाँ अगर मेरी कार मैंने कर, मैंने तुम्हें बोल दिया कि कार तुम्हें तीस हज़ार रुपये देने पड़ेंगे हर हर महीने का रेंट कंडीशन ये है कि कार तुम हर महीने 6000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलाओगे अगर तुम 6000 किलोमीटर से ज्यादा चलाओगे चलाओ कोई दिक्कत नहीं है मैं ऐसा रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूं प्लीज रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूं तुम कनेक्ट मत करना जाके राइट टू यूज से रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूं अगर छह से ज्यादा चलाई तो जितना भी एक्स्ट्रा चलाओगे जितना भी एक्स्ट्रा चलाओगे उसका सौ रुपया पर किलोमीटर लूंगा दिस इज अ वेरिएबल लीज पेमेंट बट दिस इज नॉट बेस्ड ऑन इंडेक्स एंड रेट इट इज नॉट टू बी कवर्ड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इज नॉट टू बी कवर्ड हाँ मेरी बात तभी बोल रहा हूं मेरी बात को समझो पहले सुनो तो सही मैं परेश तेरे से सौ रुपए एक्स्ट्रा लूंगा सौ रुपए पर किलोमीटर एक्स्ट्रा लूंगा अगर तूने छ हजार से ज्यादा चलाई तो समझ आ रही क्या बात की नहीं पर क्या परेश सौ छह हजार से ज्यादा चलाएगा कि नहीं चलाएगा ये तो एक कॉन्टिंजेंसी है ना चला भी सकता है नहीं भी चला सकता है यह एक वेरिएबल पेमेंट है बट इज दिस वेरिएबल पेमेंट इज बेस्ड ऑन इंडेक्स और रेट नो इसका मतलब ये आ भी सकता है ये नहीं भी आ सकता है तो इंडेक्स में बोला यार ये तो श्योर ही नहीं है कि पेमेंट करना पड़े हटाओ भैया इसको पीएनएल में डालो जो चीज श्योर नहीं है पीएनएल में डालो जो चीज श्योर है श्योर है भाई इंडेक्स 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 और रेट पर है। ये ये इंडेक्स, इंडेक्स मतलब क्या इन्फ्लेशन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सुना होगा ना आपने रेट रेट मतलब आप ये मान लो आरबीआई का बेस रेट आरबीआई का बेस रेट तो मैंने ये बोला कि भाई मैं तेरे से पेमेंट लूंगा बेस्ड ऑन लिबॉर बेस्ड ऑन पीएलआर प्राइम लेंडिंग रेट पर जैसा जैसा, जैसा रेट होगा मैं उसे से लूंगा तो ये कहीं ना कहीं यार ये ये डिसाइडेड है है पता मुझे कि हर साल रेट होंगे पर अगर मैं बोलूं कि मैं तेरे से एक्स्ट्रा पेमेंट लूंगा सौ रुपए पर किलोमीटर अगर तू गाड़ी एक्स्ट्रा चलाएगा तो क्या ये वेरिएबल पेमेंट है येस पर क्या ये वेरिएबल पेमेंट बेस्ड ऑन इंडेक्स और रेट है नो इट इज अ कॉन्टिंजेंट रेंट ए एस नाइनटीन में इसको कॉन्टिंजेंट रेंट बोला जाता था और ए एस नाइनटीन भी इसको दूर रखता था ए एस नाइनटीन भी कहता था कि है पेंटर में डालो इंडिया किस भी बोलता है कि हाँ ये पेंड में पर इंडिया ने एक अच्छी बात बोल दी अगर तेरा कॉन्टिंजेंट रेंट इंडेक्स और रेट पर है तो वो तेरे को लेना पड़ेगा सर इंडेक्स और रेट का एक फिर से एग्जाम्पल दो चलो फिर से एग्जाम्पल दे रहा हूं लीज टर्म है दस साल का सुनना ध्यान से पहले सुन लो लीज टर्म कितना है दस साल रेंट कितना डिसाइड हुआ है अभी एक लाख और ये डिसाइड हुआ है कि रेंट हर साल बढ़ेगा इन्फ्लेशन पर इन्फ्लेशन अभी एट प्रेजेंट इन्फ्लेशन कितना है फाइव परसेंट मैं आज ही के दिन एट प्रेजेंट एट कमेंसमेंट एट कमेंसमेंट मैं लीज लीज पेमेंट ये जो लीज पेमेंट है मैं क्या मानूंगा मैं बोलूंगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर सिक्स ईयर सेवंथ ईयर एट ईयर नाइन्थ ईयर टेंथ ईयर इट वुड बी वन लैक वन लैख फाइव थाउजेंड और कितना आएगा बस दो तीन साल का बता दो ज्यादा नहीं वन वन जीरो टू फाइव जीरो वन वन फाइव सेवन सिक्स थ्री ऐसे करके मैं हर साल तेरे से इतना लूंगा तो इसमें देखो ना ये वेरिएबिलिटी आ रही है कि नहीं आ रही है हा? अब सुनो फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ सेकेंड ईयर में इन्फ्लेशन रेट फाइव परसेंट से गिर के फोर पॉइंट फाइव परसेंट हो गया बताइए क्या करें फर्स्ट ईयर हो गया ना सेकंड, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर से वापस से चेंज हो जाएगा कि नहीं पर ये मैं शामिल करूंगा किस में शामिल करूंगा लीज पेमेंट में मैं शामिल करूंगा सर मतलब आप हर साल इन्फ्लेशन और इंडेक्स के अकॉर्डिंग बार बार निकालोगे इसी को तो बोलते हैं बैलेंस शीट डेट पर सबसेक्वेंट मेजरमेंट करना मैं बैलेंस शीट पर सबसे कंड मेजरमेंट करूंगा ना और ये सबसे कंड मेजरमेंट वर्ड आप लोगों के लिए कोई नई चीज़ नहीं है हम तो हर इंडेक्स में पढ़ते आए मैक्म इंडेस में कि बैलेंस शीट पर सबसे कोड मेजरमेंट करते हैं तो बैलेंस शीट डेट पर हम सबसे कोड मेजरमेंट करेंगे बेस्ड ऑन न्यू इंडेक्स बेस्ड ऑन न्यू रेट आया समझ में कि नहीं बट यही पर तुम्हारा अगर वेरिएबल पेमेंट इंडेक्स और रेट के ऊपर बेस्ड नहीं है कंडीशंस अदर देन इंडेक्स है कंडीशंस अदर देन रेट्स हैं तो फिर उसको शामिल नहीं करोगे आई मेरी बात समझ में गाइस क्लियर है यहां तक क्या क्या लिखा हमने अभी तक लीज पेमेंट्स में क्या क्या आ रहे हैं जल्दी बोलो मुझे बताओ हाँ फिक्स पेमेंट्स और इन सबस्टेंस फिक्स पेमेंट्स मतलब दे आर वेरिएबल बट अन अवॉइडेबल समझ गया ना तीसरा इंसेंटिव टू बी डिडक्टेड फोर्थ वेरिएबल लीज पेमेंट्स इफ दे आर ओनली बेस्ड ऑन इंडेक्स और रेट्स ठीक है और और नॉट क्या आना चाहिए लीज पेमेंट में और क्या आना चाहिए गारंटीड रेसिड्यूल वैल्यू क्या आना चाहिए ये क्या होती है गारंटीड रेसिड्यूल वैल्यू गारंटीड रेसिड्यूल वैल्यू क्या होती है कोई डिफाइन करके बता दो तू क्यों देगा तू तो असेट मुझे वापस कर रहा है तो फिर तू पैसा एक्स्ट्रा क्यों देगा मैंने आपको मैम सात साल के लिए असेट दी हाँ अब बताइए सात साल के बाद क्या होगा खरीद लेगा अगर तू तो परचेस प्राइस ऑप्शन आ जाएगा उसमें वो एक्स्ट्रा आ जाएगा ठीक है सिर्फ असेट की लाइफ पे डिपेंड करता है कि आपके यूज करने पे भी डिपेंड करता है कि उसकी रेसिडेंट वैल्यू कितनी बचेगी मुझे एक बात बताइए मैंने सिंपली फिर से पूछ रहा हूं आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरी असेट जो एक करोड़ रुपए की है मशीन जो मैंने आपको आज लीज पर दी है सात साल के लिए लीज पर दी है सात साल बाद आप मुझे ये मशीन वापस करोगे आज मैं एज अ नॉर्मल परलेंसेस में अगर देखूं कंडीशनली अगर मैं मार्केट के सिनेरियो देखूं तो इस असेट की सात साल बाद रेसिडल वैल्यू होनी चाहिए दस लाख रुपए पर क्या इस बात की गारंटी है क्या कि सात साल बाद मैम के द्वारा या लेसी के द्वारा यूज करने के बाद इसकी रेसिड वैल्यू दस लाख ही बचेगी हो सकता है तुमने इस खतरनाक तरीके से यूज कर लिया कि वैल्यू तो दो लाख भी नहीं बची ये बोलना चाह रहा हूं सो so, अब इसको कनेक्ट करो गारंटीड रेसिडल वैल्यू से यस yes. मैं बोल रहा हूं कि आई एम एक्सपेक्टिंग दस लाख रुपए गौरम ठीक ना सर दस लाख ना क्या छोटी मोटी बातें कर रहे हो अगर कल को मार्केट में वैल्यू इसकी आठ लाख रुपए रही दो लाख मैं आपको भर के दूंगा दो लाख मैं आपको रिइंबर्स करूंगा दो लाख विल बी द गारंटीड डेट वैल्यू आई एम हाउ मच आई एम एक्सपेक्टिंग टेन लाख एंड में जाके अगर मुझे दस लाख नहीं मिले कितने मिले आठ लाख छह लाख चार लाख सात लाख तो डिफरेंस कौन देगा मुझे लेसी गारंटीड बाय लेसी अंडरस्टूड और नॉट थर्ड पार्टी हो सकती है बट टेक्निकली अब यहां पर मेजर गारंटी कौन देगा मैं किससे मैं किससे गारंटी लूंगा एक बात बताइए मैं थर्ड पार्टी से गारंटी क्यों लूँ वो एस नाइनटीन था आप मिक्स कर रहे हो उसमें एस नाइनटीन था यहां पर थर्ड पार्टी का फंडा नहीं है इंडियस वन वन सिक्स ने थर्ड पार्टी का फंडा हटा दिया हाँ बोलो जी क्या होगा जो लेसी प्रॉमिस कर रहा है कि मैं इतना दूंगा अगर आपको उतने से नुकसान हो रहा है तो मेरी बात समझ में आएगी नहीं ठीक है नहीं, नहीं 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 ऐसा नहीं झोल पॉसिबल ऐसे नहीं है पहली बात तो आज ही के दिन एग्रीमेंट बना उस एग्रीमेंट में लिख दिया जाएगा कि एक्सपेक्टेड रेसिडेंट वैल्यू वुड बी सो एंड सो इतना परसेंटेज बेसिस पे इतना इतना होगा सात साल बाद उसकी मार्केट वैल्यू चेक की जाएगी मैं कितने में बेच रहा हूं मुझे उससे तुम्हें मतलब नहीं है मार्केट वैल्यू चेक की जाए मार्केट वैल्यू निकलवाई जाएगी वैल्यूअर से देन जो भी डिफरेंस आएगा वो आपको पे करना पड़ेगा दोनों का अलग अलग वैल्यूअर होगा तो तो वो एक कंसेंट पे आके एक ही वैल्यूअर करना पड़ेगा <laughs> जी आर वी हाँ और क्या आना चाहिए और क्या आना चाहिए मैंने गौरव को बोला कि सात साल बाद तू चाहे तो ये एसेट मुझसे परचेस कर लेना और गौरव कह रहा है कि रीजनेबली सर्टेन है कि मैं परचेस करूंगा अगर तू परचेज करेगा तो तेरे को सात लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे तो क्या बोलूंगा परचेस प्राइस ऑप्शन ये परचेज प्राइस ऑप्शन कब शामिल होगा लीज पेमेंट में हमेशा शामिल होगा जब लेसी जानता है कि मुझे परचेज नहीं के तरह तो शामिल करेगा क्या ये कब शामिल करेगा इफ रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज और लास्ट चीज एक और है पेनल्टीज टू बी पेड टर्मिनेशन ये क्यों आएगा अगर सर्टेन है कि मैं कैंसिल नहीं करूंगा तो पेनल्टी नहीं आएगा और अगर सर्टेन नहीं है कि मैं कैंसिल मतलब सर्टेन है कि मैं कैंसिल करूंगा तो फिर पेनल्टी आएगी तो पेनल्टी हमेशा आएगी क्या नहीं इसका मतलब लास्ट के जो दो चीजें हैं वो सीधी सीधी बातें सर्टेनिटी पर शामिल है पेनल्टी टू वेट फॉर ऑफ लीज कॉन्टेड इफ हाँ हाँ इफ रीजनेबली सर्टेन दैट लेसी विल टर्मिनेट विल टर्मिनेट द नॉन कैंसलेबल लीज टर्मिनेट द नॉन कैंसिलेबल पीरियड बाप रे बाप लीज लीज पेमेंट में ये सात बातें आती हैं कितनी बातें आ रही हैं सेवन फिक्स्ड अग्रीड पेमेंट्स इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट्स वेरिएबल बट अन लेस इंसेंटिव्स वेरिएबल लीज पेमेंट्स इफ दे आर ओनली डिपेंडेंट ऑन इंडेक्स और रेट्स इफ दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन इंडेक्स और रेट्स देन नहीं वो शामिल तो नहीं होगा बट उसका होगा क्या इंडेक्स बोलता है कि पी एंडल में जाएगा जी आर वी जी आर वी क्या होगा कॉम्पनसेशन बेसिकलीट इज अ काइंड ऑफ कॉम्पनसेशन देन परचेज प्राइज ऑप्शन वॉट इज दिस पर if the lessee has been given an option to purchase the asset at a very reduced price and it is certain that lessee will purchase the asset and last penalties on termination of lease only you can consider it only when lessee, lessee is certain that i am going to terminate understood or not अगर लेसर टर्मिनेट करना है तो कर रहा है तो लेसी कुछ नहीं कर तो लेसी कुछ नहीं करेगा तो लेसी, तो लेसी बोलेगा मेरे को कैसे पता लेसर की सर्टरिटी मैं कैसे बोलूं कि लेसर टर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा लेसी इज ड्यूटी बाउंड लेसी बात तो लेसी तो दस साल मान के चल रहा है ना एज अ नॉन कैंसलेबल पीरियड अरे वो तो दस साल जब मान के चल रहे तो पेनल्टी, तो, पेनल्टी तो पेनल्टी कहां से आएगी टर्मिनेटी नहीं होगा ना छह साल प्लस चार साल उसी एग्जाम्पल की बात करें जब वो दस साल कैंसरेबल पीरियड नॉन कैंसर पीरियड के चल रहा है तो पेनल्टी क्यों लेगा वो पेनल्टी माइनस क्यों करेगा जब पे करेगा तो उसका क्या अरे समझो ना लेसर मैं तो दस साल मान के चल रहा हूं तो मतलब ये मान के चल रहा हूं कि वो कैंसिल करेगा ही नहीं ये सोचो ना मेरा ये कहना है कि भाई लेसी जो है वो लेसर की पेनल्टी को कंसीडर करेगा ही नहीं क्यों नहीं करेगा तो लैसी क्योंकि लेसी ने जो पीरियड माना है वो छह प्लस चार माना है जब उसने चार पांड लिया है और जो चार पीरियड चार यार साल का भी फिक्स पेमेंट ले रहा है तो वो पेनल्टी क्यों लेगा या तो वो ऊपर लेगा या तो नीचे लेगा ना यार तो दिस दिस हाँ। लीज पेमेंट क्लियर है आपको बाद में आके हाँ, तो लेसर की बुक्स की बात कर रहे हो कि लेसी की बुक्स का ले, आप लेसर पूछ रहे हो आप लेसी पूछ रहे हो लेसी, लेसी की बुक्स में हाँ अब हमने इनिशियली तो पेनल्टी कंसिडर नहीं किया था ठीक है ना इमीडिएटली क्या हुआ उसने मुझे पेनल्टी दे दिया पास में उससे मेरी लीज लाइब्रेटी कम हो जाएगी मैं पेमेंट मैं, मैं पेडल में क्यों डालूंगा मेरी लीज लाइब्रेटी का जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो कम हो जाएगा मुझे वैसे भी उसको डी रिकग्नाइज करना पड़ेगा ना लीज़ लाइब्रेटी को तो मेरी वो लीज लाइब्रेड कम हो जाएगी मतलब मैं उसको लीज लाइब्रेरी में ट्रांसफर कर दूंगा नहीं मैं ये समझा कि आप उससे पूछ रहे हो कि सर वो लीज पेमेंट में शामिल होगा कि नहीं लीज पेमेंट में शामिल नहीं होगा पेंडल लीज लाइब्रेरी आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है मेरी बुक्स में कैरिंग अमाउंट पड़ा हुआ है आफ्टर सेवन एट ईयर एक लाख रुपए और उसने अचानक से टर्मिनेट कर दिया मुझे उसने पेनल्टी दी पेनल्टी दिया साठ हजार रुपए का तो लीज लाइब्रेरी से मेरी साठ हज़ार कम हो जाएगी बाकी चाल हजार में पी में डालूंगा ऐसा क्लियर हाँ लाइब्रेरी अकाउंट डेबिट आई समझ में नहीं लाइब्रेरी मेरी डेबिट हो जाएगी और आ, क्या बोलते हैं बैंक, uh, बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा ना और बाकी का पूरा पेटल भी चला जाएगा ऐसा इनकम ही यही मान लो और अगर मैं पेनल्टी दे रहा हूँ तो मेरा लीज लाइब्रीटी से कट हो जाएगा दो में से कोई एक पेनल्टी देगा ना तो अगर मुझे लेसर पेनल्टी दे रहा है तो वो लीज़ लाइब्रेटी के साथ जब मिला के जाके वो पेंडल में जाएगा और अगर लेसी पेनल्टी दे रहा है तो वो लीज़ लाइबिटी से माइनस करके रिमेनिंग पेंटल में जाएगा हाँ इसके प्रेजेंटेशन वही रुक जाइए अभी लॉन्ग टर्म पकड़ जाएंगे और ये प्रेजेंटेशन में समझेंगे इसको कि इसको लॉन्ग टर्म मानना है क्या मानना है ये लॉन्ग टर्म माने जाएंगे वो अभी समय आएगा सब एक एक करके मालूम पड़ेगा और मैंने अकाउंटिंग बताई नहीं है मैंने तो अभी बस डिफाइन किया है अभी अकाउंटिंग पे अभी पहुंचे ही नहीं है अपन कि उसका ओ का इंपैक्ट होगा कि कहाँ होगा कैसे होगा पी एंडल का होगा वो सब इम्पैक्ट तो अभी अभी आने वाले हैं ऐसे तो इंडियस 109 जीरो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी बहुत सारी सेम लाइंस पर है पर ऐसा नहीं है कि इंडियस 109 हर बार ओसे ही बोलता है वो तो एफ भी बोलता है तो हर चीज का अलग अलग रेलेवेंस है ठीक है अच्छा एक एक करके पढ़िए बेटा सामने आइए सबसे पहला मैं एक एक करके वापस से टर्म्स डिफाइन करते जा रहा हूं मतलब इवन अब आपको पढ़ते जाना है एक एक करके इवन जो बच्चे लेक्चर देख रहे हैं पेन ड्राइव पे यूट्यूब पे तो वो भी जल्दी जल्दी पढ़ते जाएं इसको फिक्स लीज पेमेंट ये तो क्लियर है सबको फिक्स लीज पेमेंट जो कि अग्रीड हुआ है लेसर लेसी के बीच में दूसरा क्या है इसको क्या बोलते हैं अपन वेरिएबल बट unavoidable पढ़ लीजिए इसका साइड में जो लिखा हुआ है जल्दी पढ़ लीजिए कंटेन वेरिएबिलिटी बट आर unavoidable देर इज नो जेन्युन वेरिएबिलिटी इन दोज पेमेंट्स जेन्युनली वो वेरिएबल नहीं है ठीक है एग्जाम्पल पढ़ लीजिए मैंने वैसा एग्जाम्पल दिया हुआ है इधर हाँ अब एक काम करिए कि जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं ये जितने भी सारे पॉइंट्स हैं प्लीज़ एक एक करके जल्दी से जल्दी दो मिनट रीड करिए इन पॉइंट्स में सिर्फ आपको रीड नहीं जो करना है वो डिस्काउंटिंग रेट रीड नहीं करना है आखिरी के तीन बातें रीड नहीं करनी है बाकी जल्दी जल्दी एक बार रीड कर लीजिए प्लीज़ जल्दी बाकी सारी बातें रीड कर लीजिए प्लीज़ चलो पढ़ लिया आपने हाँ लीज इंसेंटिव रिसीवेबल फ्रॉम लेसर क्लियर है आपको ये ये एक तरीके रीइम्बर्समेंट हो सकते हैं फ्रंट फीस वगैरह बोल सकता है वो ठीक है वेरिएबल लीज पेमेंट बेटा क्लियर है क्या वेरिएबल लीज पेमेंट क्लियर है क्या मतलब वेरिएबल लीज पेमेंट दो तरीके से हो सकते हैं इंडेक्स और रेट वाले कंसीडर इन लीज पेमेंट और अदर देन दैट पी एंड एल डायरेक्टली ठीक है परचेज प्राइस ऑप्शन क्लियर है पेनल्टी फॉर टर्मिनेशन ऑफ लीज क्लियर है हाँ गारंटीड वैल्यू क्लियर है बोलो गाइस अब आते हैं तीन पॉइंट्स पे डिस्काउंटेड रेट इंटरेस्ट रेट इम्प्लेसिट इन द लीज़ और लेसीज़ इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट डिस्काउंटिंग रेट इंटरेस्ट रेट इम्प्लेसिट इन द लीज़ जिसको हम आई बोलते हैं और लेसिस इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ये चीज हमारे लिए न्यू नहीं है हम इसको इंडेस 109 में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते थे ई याद है आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आम तौर पर इसको आई कहा जाता है क्या कहा जाता है आई अगर हम इसको एफ की भाषा में डिफाइन करें कौन सी भाषा में एफ की भाषा में तो आप जानते हो कि आई मतलब क्या एक ऐसा रेट जिस रेट पर फ्यूचर ए की प्रेजेंट वैल्यू आज की इनफ्लो के बराबर हो एक ऐसा रेट जिस रेट पर फ्यूचर वैल्यूज की प्रेजेंट वैल्यू आज की फेयर वैल्यू के बराबर हो आपने अपनी लाइफ में पहली बार आईआरआर पढ़ा था कैपिटल बजटिंग में मतलब आपने अपनी लाइफ में आईआरआर का जब पहले बार कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो था इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा था आईपीसीसी में आई थिंक आपका सब्जेक्ट हुआ करता था कॉस्टिंग एफ करके ओल्ड सिलेबस होता था कॉस्टिंग एफ आजकल इंटरमीडिएट में नया हो गया एफ को तो एफ एम एक चैप्टर हुआ करता था कैपिटल बजटिंग हुआ करता था कि नहीं कैपिटल बजेटिंग में आप आईआरआर पढ़ते थे जहां पर आप बोलते थे आईआरआर मतलब एक ऐसी चीज जहां पर जहां पर कुछ याद है फ्यूचर कैश इनफ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू जहां पर एनपीवी जीरो हो जाए जहां पर एक्चुअली एनपीवी नील हो जाए एनपीवी नील मतलब एनपीवी मतलब क्या होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या करंट आउटफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनफ्लो तो एनपीवी जहां पर जीरो हो जाए मतलब ब्रेक इवन आ जाए जहां पर एक ऐसा रेट जिस रेट पर फ्यूचर की वैल्यूज अगर आज की प्रेजेंट फ्यूचर की प्रेजेंट वैल्यूज निकाली जाए वो आज की फेयर वैल्यू के बराबर हो अब मैं ये बार 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 रिपीट क्यों कर रहा हूं बस यहां पर उन्होंने इसी ईआरआई आई आर आर को नाम बदल दिया इन्होंने बोल दिया इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन लीज क्या बोल दिया पढ़ो इसको क्या लिखा है इंटरेस्ट रेट इम्प्लेसिड इन लीज अब इसको डिफाइन करते हैं देखो क्या बोला है क्या बोला है इट इज द रेट एट विच द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट अभी हमने लीज पेमेंट डिफाइन किया था कुछ याद है लीज पेमेंट अभी हमने लीज पेमेंट डिफाइन किया मैडम क्या फिक्सड इन सबस्टेंस माइनस इंसेंटिव प्लस वेरिएबल इफ बेस्ड ऑन इंडेक्स जी पेनल्टी परचेज प्राइस ऑप्शन याद आ रहा है कि नहीं ये क्या होता है लीज पेमेंट प्लस यूजीआरवी यूजीआरवीडिड वैल्यू ये क्या होता है, बेटा ये हमेशा लेसर के से होता है। सिर्फ किसके और मिलेगा जो लेसी ने गारंटी नहीं किया पर लेसी तुमने कितना गारंटी किया दो लाख रुपए मुझे और लग रहा है कि नहीं मुझे एक लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलना चाहिए और बट अभी किसी ने गारंटी नहीं किया बात समझ में आ रही कि नहीं लेसी ने गारंटी किया कि मैं आपको दो लाख रुपए रि करूंगा एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि दो लाख नहीं मुझे तीन लाख का रिमबर्समेंट मिलना चाहिए तो द वन लाख इज अनगारंटीड पोर्शन तो फिर से पढ़ रहा हूं इट इज द रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्लस यूजीआरवी इज इक्वल टू किसके बराबर है फेयर वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग असेट प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट अब मैं आपको बता देना चाहता हूं ये जो हम पढ़ रहे हैं इंप्लिसिट रेट ऑफ लीज ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला जाता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ़ व्यू ऑफ़ लेसर लेसर के पॉइंट ऑफ क्यों क्योंकि हमने इसमें क्या ले लिया अनगारंटीड रेसिडल वैल्यू ले लिया तो लेसर क्या बोल रहा है सुनो 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 पहले लेसर को क्या क्या मिलेगा लेसर को क्या क्या मिलेगा फिक्स लीज पेमेंट मिलेंगे और क्या मिलेगा इन लीज पेमेंट मिलेंगे और क्या मिलेगा इंडेक्स वाले बेस्ड लीज पेमेंट मिलेंगे माइनस वो इंसेंटिव देगा लेसर उसके बाद उसको पेनल्टी मिल सकती है बोलो बेटा परचेज ऑप्शन अगर सामने वाला अवेल करेगा तो मुझे पैसे मिलेंगे ठीक है और मुझे क्या मिलेगा जो मुझे किसी ने गारंटी नहीं दिया गारंटीड पोर्शन मिलेगा और जो मुझे किसी ने गारंटी नहीं दिया मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मुझे वो भी मिलेगा मुझे ओवरऑल ड्यूरिंग द दिस्ट टर्म ड्यूरिंग द टर्म मुझे क्या क्या मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू अगर मैं निकालू किस रेट पर उसका प्रेजेंट वैल्यू आज की असट के फेयर वैल्यू के बराबर रहेगा फेयर वैल्यू किस दिन की देखनी है अरे आज मतलब कौन सा दिन कमेंसमेंट की इंसेप्शन इंसेप्शन किस दिन का देखना है इंसेप्शन डेट पर फेयर वैल्यू प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को प्लस क्यों कर रहे हैं इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को प्लस क्यों कर रहे हैं भाई असेट की वैल्यू प्लस आज मैं कुछ आउटफ्लो कर रहा हूं मुझे वो भी तो रिकवरी चाहिए ठीक है ना तो एक ऐसा रेट जिस रेट पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्लस यूजीआरवी शुड बी इक्वल टू फेयर वैल्यू प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट तो फॉर्मूला क्या बन गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्लस यूजीआरवी इज इक्वल टू फेयर वैल्यू एट इंसेप्शन प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आईडीसी रेट एट विच इसको किस तरीके से निकालते हैं इसको किस तरीके से निकालते हैं? मतलब आयर निकालते कैसे हैं? निकालने का तरीका क्या होता है तो 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 चलो मैं निकाल के बताओ फेयर वैल्यू ऑफ असेट है पच्चीस लाख रुपए लीज टर्म है एट इयर्स। लीज पेमेंट है या फिक्स्ड लीज रेंट है चार लाख पर एनम जीआरवी है ढाई लाख है वन फिफ्टी निकाल के बताइए इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट आई आर आई इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट आई आर आई इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के बताओ हाँ जी टोटल एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू माइनस जी आर वी इज इक्वल टू गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू टोटल एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू माइनस जी आर वी द पोर्शन दैट इज गारंटीड द पोर्शन विच इज नॉट गारंटीड आउट ऑफ एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू मतलब हाँ ये भी बोल सकते हो हाँ जी कैसे निकालेंगे फोर लैख पर एनम प्लस जीआरवी प्लस यूजीआर वी आपको क्या करना है आप का फेयर वैल्यू कितना है एसेट का पच्चीस लाख रुपए आप एक रेट ले लो फॉर एग्जाम्पल आप बारह परसेंट का रेट ले लो आप बारह परसेंट पर इसका सम निकाल लो चलो दस ले लो आप दस परसेंट के इसके ऊपर सम निकाल लो एक बार निकाल के देखो क्या आया दस परसेंट पर टेन परसेंट पर कितना आया एटीन थाउजेंड एट हंड्रेड और एट परसेंट पर फोर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड टेन परसेंट पर इतना और एट परसेंट पर इतना हम क्या बोलते हैं हम टेन परसेंट को एक बेस मान लेंगे मैंने टेन परसेंट बोल दिया मुझे क्या चाहिए वैल्यू पच्चीस लाख मैंने टेन परसेंट को बेस मान लिया तो टेन परसेंट में से मुझे माइनस करना है मैं क्या करूंगा इंटरपोलेशन बिल्कुल सिंपल सा तरीका है इंटरपोलेशन करने का मैंने टेन परसेंट से रेट कितना गिराया दो परसेंट तो मैं बोलूंगा डिक्रीज इन परसेंटेज टू मैंने दो परसेंट से रेट गिराया ठीक है ना रेट गिराने की वजह से अमाउंट कितना बढ़ गया रेट गिराने की वजह से अमाउंट कितना बढ़ गया वन लैख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड तो इंक्रीज इन अमाउंट समझ में आ रहा है कि नहीं रेट दो परसेंट से गिराया तो अमाउंट बढ़ गया वन नाइन्टी सिक्स रेट कितना गिराऊं अमाउंट तेईस लाख से बढ़कर पच्चीस लाख ,00 हो जाए हा ना क्योंकि मैंने तेईस लाख मतलब दस परसेंट वाला तेईस लागे ना बेस रेट माना है ना तेईस अठारह आठ सौ मतलब कुल मिला के कितना बढ़ना चाहिए वन एट वन टू हंड्रेड बढ़ना चाहिए ठीक है तो इसको इंटरपोलेशन कर लो वन एट वन टू हंड्रेड इंटू टू डिवाइड बाई वन नाइनटी सिक्स हो जाएगा 1.85 पॉइंट एट फाइव सो टेन माइनस वन पॉइंट एट फाइव इट वुड बी एट पॉइंट वन फाइव परसेंटेज आई आर आई इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इंप्लेसिट ठीक है वो ठीक है यहां तक क्लियर हुआ सो दिस इज द आई आर आर अब ये आई आर आई आर आई बोलो आई आर आर बोलो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ई आर आई बोलो एक ही बात है इंडेस वन वन सिक्स में हम वर्ड यूज करते हैं इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन लीज क्या यूज करते हैं हाँ और ये आई आर आर किसका है लेसर का किसका है लेसर का आई मेरी बात समझ में कि नहीं नाउ वॉट इंडेस वन वन सिक्स से हम किसकी बुक्स की बात कर रहे हैं मैं वापस आ रहा हूं हम किसकी बुक्स की बात कर रहे हैं लेसी की बुक्स की बात कर रहे हैं हम अभी क्या पढ़ रहे हैं किसकी बुक्स की बात कर रहे हैं लेसी की लेसी की दो, दो चीजें कौन सी रिकॉर्ड करता है लेसी को दो चीजें कौन सी रिकॉर्ड करनी है राइट ऑफ यूज असैट और लीज लाइब्रिटी कौन सी दो चीजें रिकॉर्ड करनी है राइट ऑफ यूज असेट और लीज लाइब्रिटी आई मेरी बात समझ में कि नहीं गाइस टेल मी क्लियर है कि नहीं आइए लीज लाइब्रेट को पढ़ते हैं पहले कि लीज लाइब्रेट को कैसे रिकॉग्नाइज करेगा वो वो लीज लाइब्रेटी को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा लीज लाइबिलिटी को वो किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेगा किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेगा लीज लाइबिलिटी को परेश पढ़ना रिमेनिंग 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 सर वाई दे आर यूजिंग द वर्ड रिमेनिंग ट्राई टू अंडरस्टैंड ओ सुन लो मेरी बात इधर सुनो 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 वाई वी आर यूजिंग द वर्ड रिमेनिंग इधर देखो why we are using the word remaining. Suppose अगर मैं तुम्हारे सामने ये main tumhare और ye condition rakhu aur आर lease rent grv ugrv ye sab सब यही है पर मैं साथ साथ बोलता था कि payment bhi भी है दो लाख रुपए का डीपी समझते हो डाउन पेमेंट क्या होता है लीज कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर करने के लिए पेमेंट किया अरे आज टोकन मनी यार लीज कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर करने के लिए पेमेंट किया मैंने पेमेंट कर दिया ना मैं क्या बुक कर रहा हूं लीज लाइबिलिटी लाइबिलिटी मतलब जो पे करने वाला हूं तो लीज लाइबिलिटी में क्या आएगा जो पेमेंट्स अभी तक नहीं किए हैं जो पेमेंट्स ऑलरेडी कर चुका हूं डीपी का पेमेंट वो लाइबिलिटी थोड़ी है ऑल दो वो मेरे राइट ऑफ असेट का पार्ट बनेगा पेमेंट किया ना मैंने तो राइट ऑफ यूज असेट का पार्ट बनेगा मैं भी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि राइट ऑफ यूज असेट कुछ और हो सकता है लीज लाइब्रेटी कुछ और हो सकता है राइट ऑफ यूज असेट को आ, पाने के लिए मैंने यह सब पेमेंट करूंगा और दो लाख का पेमेंट कर लिया तो यह दो लाख रुपए राइट ऑफ यूज असेट में आएगा डीपी लीज कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर करने के लिए पर यह लीज लाइबिलिटी में थोड़ी आएगा क्या मैं अभी पे करने वाला हूं क्या नहीं तो लीज लाइब्रेटी में क्या आता है रिमेनिंग जो पे करने वाले हो आ रही मेरी बात समझ में कि नहीं आइए पढ़ना बेटा रिमेनिंग लीज पेमेंट को रिकॉग्नाइज करना है प्रेजेंट वैल्यू पे डिस्काउंटेड यूजिंग द इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट सर इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट तो लेसर का होता है हम तो लेसी की बुक्स की बात कर रहे हैं यस इंडेस डेस वन वन सिक्स सेज लेसी हैज टू यूज लेसर आई आर आई एंड इट इज द सेम थिंग विच ए एस नाइनटीन वॉज ऑल्सो सेम ले हैज टू यूज लेसर आई आर आई लेसर का आई आर आई लेना पड़ेगा Sir, ऐसे ले सर ऐसे कैसे लेसर का आई आर आई लेना पड़ेगा सर वो कैसे लेगा लेसर का आई आर आई उसको डिटरमाइन करना पड़ेगा सर अगर मान लो लेसर उसको अपना आई आर आई नहीं बता रहा है नहीं डिटरमाइन कर पा रहा है तो नेक्स्ट पॉइंट आइए नेक्स्ट पॉइंट टेक लेसीज इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट अब ये लेसी का इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट क्या होता है वॉट इज ले बोरिंग रेट मतलब लोन रेट इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट मतलब आज लेसी के पास चार टाइप के लोन ऑलरेडी चल रहे हैं आज लेसी के पास चार टाइप के लोन ऑलरेडी चल रहे हैं। अगर आज लेसी बाहर से मार्केट में एक और लोन लेने जाएगा तो उसको किस ब्याज पे रेट मिलेगा सीधी बात है ना एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ऑलरेडी लोन चल रहे हैं तो उसको जो एडिशनल लोन मिलेगा तो वो थोड़ा सा ज्यादा ही पे मिलेगा ना बात समझ में आ रही है नहीं तो लेसीज इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट विल बी टेकन इफ देर इज नो आई आर आई इफ द आई आर आई कैन नॉट बी डिटरमाइंड लेसी अपना खुद का इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट लेगा ठीक है ना अभी मैं वापस से अभी मैं छोड़ रहा हूं नहीं पढ़ा रहा हूं मैं मैं वापस से नीचे आ रहा हूं इधर आइए इधर आइए डिस्काउंटिंग रेट डिस्काउंटिंग रेट मैम आप पढ़िए डिस्काउंटिंग रेट क्या बोला है ऑफ द लेसर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी डिस्काउंटिंग रेट कौन सा लेना है लेसर का आई आर आई मतलब आई आर आर सेकेंड प्रायोरिटी लेसिस इंक्रीमेंटल बॉरिंग रेट दूसरा हमने पॉइंट इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज पढ़ लिया है तीसरा पॉइंट पढ़िए लेसिस इंक्रीमेंटल बॉरिंग रेट अगर यही असेट की अमाउंट के बराबर का मैं लोन लेता सिमिलर टर्म्स पे लेता उतने ही साल के लिए लेता तो आज मुझे कितने ब्याज पे लोन मिलता मैंने लीस्ट टर्म कितना है आठ साल का मेरा असेट का वैल्यू कितना है पच्चीस लाख का अगर यही पच्चीस लाख की असेट में लेता अरे बोलो ना तो आज मुझे कितने का लोन मिलता कुछ आया समझ में कि नहीं इंक्रीमेंटल बोरेंगे रेट पर वो सेकंड प्रायोरिटी दी गई है लेसी को फर्स्ट प्रायोरिटी क्या दी गई है लेसर का आईआरआई ठीक है गाइज अंडरस्टूड और नॉट वापस वापस आइए ऊपर आइए हम क्या बुक कर रहे हैं लेसी की बुक्स में दो चीजें लेसी की बुक्स में दो चीजें बुक कर रहे हैं कौन सी दो चीजें बुक कर रहे हैं राइट ऑफ यूज असेट आर ओ यू असेट और दूसरा लीज लाइब्रेरी हम अभी आर ओ यू असेट नहीं पढ़ रहे हम अभी पहले क्या पढ़ रहे हैं लीज लाइब्रेड लीज लाइब्रेरी कितने वो करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग लीज पेमेंट हाँ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग रिमेनिंग क्या लीज पेमेंट लीज वैल्यू में क्या क्या आता है लीज में क्या, क्या क्या आता है फेक्स्ड इन सबस्टेंस लेस इंसेंटिव एड जी आर वी वेरिएबल बेस्ड ऑन इंडेक्स और रेट्स परचेज प्राइस ऑप्शन इफ रीजनेबली सर्टन और पेनल्टीज इफ सर्टन दैट द लेसी विल टर्मिनेट हाँ, तो ये क्या है लीज पेमेंट रिमेनिंग लीज पेमेंट का प्रेजेंट वैल्यू किस पे डिस्काउंटिंग करके डिस्काउंटिंग में क्या या तो आई या तो लेसी का इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट पे अब अपने को बुक कर रहे हैं समझ में आई बात की नहीं लीज पेमेंट में क्या क्या आता है सब जो यहां पर लिखा हुआ है लीज पेमेंट कवर्स हमने पढ़ लिया लीज पेमेंट में क्या क्या नहीं आता है लीज पेमेंट में क्या क्या नहीं आता है आइए गौरव लीज पेमेंट में क्या क्या नहीं आता है पढ़ो नॉन लीज कॉम्पोनेंट इफ अकाउंटेड फॉर सेपरेटली नॉन लीज कॉम्पोनेंट मैंने आपसे बात की थी कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दो चीजें हैं एक लीज कंपोनेंट है और एक नॉन लीज कंपोनेंट है तो मैं जो आपको ओवरऑल पेमेंट कर रहा हूं उसमें थोड़ा बहुत पेमेंट नॉन लीज कंपोनेंट का भी कर रहा हूं कार दिया मैंने आपको किराए पर लीज पर तो कार इज इज इट एन आइडेंटिफाइड असेट कार का मैं आपसे लीज रेंट ले रहा हूं ठीक है साथ साथ मैं आपको ड्राइवर भी प्रोवाइड करता हूं तो उस ड्राइवर का भी आप मुझे पेमेंट करते हो पर फाइनल ये हुआ कि आप मुझे ओवरऑल पेमेंट कार प्लस ड्राइवर का मिला के थर्टी थाउजेंड रुपीज करोगे मुझे थर्टी थाउजेंड को दो हिस्सों में बांटना चाहिए कि नहीं इस कॉन्ट्रैक्ट में दो हिस्से कौन कौन से हैं एक लीज कॉम्पोनेट मतलब लीज ऑफ कार और एक दूसरा नॉन लीज कॉम्पोनेट प्रोवाइडिंग ड्राइविंग सर्विसेस ड्राइवर्स सर्विस तो जो प्रोवाइडिंग ड्राइवर सर्विसेज है क्या वो लीज कॉम्पोनेट है क्या कौन सा कॉम्पोनेट है नॉन लीज कॉम्पोनेंट है मतलब वो सर्विस एलिमेंट है मतलब वो इंडिया वन वन फाइव लग सकता है तो मुझे थर्टी थाउजेंड को क्या करना पड़ेगा लीज और नॉन लीज कॉम्पोनेंट को डिवाइड करना पड़ेगा अलोकेट करना पड़ेगा किसमें? ऑब्जर्वेबल स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस कुछ याद आ रहा है कुछ याद आ रहा है हमने कहा पढ़ा था ये? ऑब्जर्वेबल स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस इंडेस वन वन फाइव अलोकेशन इंडियस वन वन फाइव की पांच स्टेप होती है कौन सी कौन सी पांच स्टेप होती है सी पी टी ए आर सी मतलब आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट पी परफॉर्मेंस ऑब्लीगेशन आपको परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक से ज्यादा हो सकती है हाँ टी ट्रांजेक्शन प्राइस ये है ट्रांजेक्शन प्राइस तीस हजार रुपए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आपके दो दो लीज कॉम्पोनेंट नॉन लीज कॉम्पोनेंट ठीक है सीपीटी ए अलोकेशन अलोकेशन जब हम करते हैं ट्रांजेक्शन प्राइस को वेरियस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में तो उसके स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस में करते हैं करते हैं कि नहीं करते अरे याद आ रहा है कि नहीं तो ये वही है कि लीज और नॉन लीज कंपोनेंट में आपको आपको लीज पेमेंट को डिवाइड करना पड़ेगा तो जो वो पेमेंट जो तुम्हारा नॉन लीज कंपोनेंट के लिए आ रहा है वो थोड़ी तुम्हारा लीज पेमेंट का पार्ट बनेगा था था था। हाँ बिकॉज ऑफ द लीज एग्रीमेंट कार ऑब्लाइज कार के लिए वो ऑबलाइज है हा बेसिकली यार सर्विस दे रहा हूं मैं अलग से ड्राइविंग सर्विस वो एक अंडरलाइन असेट थोड़ी है उसके लिए मैं नहीं तेरे को चाहिए तो, तो ले तेरे को नहीं चाहिए तो मत ले तो एक सेपरेटली होगा और दूसरा क्या लिखा है नॉट डिपेंडेंट ऑन इंडेक्स और रेट मतलब वही एग्जाम्पल दिया था इसका मैंने क्या छह हजार किलोमीटर से ऊपर अगर कार चलाएगा तो एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए पर किलोमीटर के लिए सौ रुपए लूंगा कॉन्टिंजेंट रेंट इसको अपनी भाषा में क्या बोलते हैं कॉन्टिंजेंट रेंट इसको अपन एस नाइनटीन में कंटेंजेंट रेंट ही बोलते थे और ये डायरेक्ट कहां जाएगा पीएनडल में ठीक है सर ऊपर वाला जो नॉन लीज उस वो कहां जाएगा आ? वो एस पर इंडियस वन वन फाइव ट्रीट होगा जाएगा तो पीएनडल में ही पर उसका रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे होगा वन वन फाइव के अकॉर्डिंग अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं टेल मी लीज लाइब्रेड क्लियर है अब आते हैं आर ओ यू असेट पर आर ओ यू असेट क्या है यू असेट? ये आर ओ यू, यू सेट ये एक्चुअली क्या जो जो पीपी हमने लिया है लीज पर क्या वो असेट को बुक कर रहे हैं क्या हम राइट को बुक कर रहे हैं उस असेट को यूज करने के राइट को बुक कर रहे हैं अलेसी इनिशियली मेजर आर ओ यू असेट एट कॉस्ट अब कॉस्ट में क्या क्या आएगा आइए बेटा कॉस्ट में क्या क्या आएगा कॉस्ट में क्या क्या आएगा मैम इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लाइब्रेटी को जो आपने मेजरमेंट किया था ये वाला अरे लीज ये क्या क्या लीज पेमेंट इन सबस्टेंस जीआरवी वेरिएबल बेस्ड ऑन इंडेक्स एंड रेट्स लेस इंसेंटिव परचेस प्राइस ऑप्शन और पेनल्टीज ये सब का वैल्यू तुम्हारे आर में भी आएगा अरे नीचे देखिए ना लिखा हुआ है लिखा हुआ है लिखा हुआ है मत करिए आप लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट पढ़िए नहीं 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 सेकंड पॉइंट मैम सेकंड पॉइंट लेस इंसेंटिव रिसीव्ड मैंने एट और बिफोर द कमेंसमेंट डेट कमेंसमेंट डेट पर मैंने आप जो, आपको जो पेमेंट किया मतलब डीपी अरे कमेंसमेंट डेट पर जो मैंने आपको पेमेंट किया या कमेंसमेंट डेट से पहले ही पेमेंट कर लिया था सर पहले क्यों पेमेंट करेंगे इंसेप्शन के टाइम पे एग्रीमेंट हो गया था मैंने आपको उसी टाइम पे पेमेंट कर दिया था भाई लीज कॉन्ट्रैक्ट कवर करने सिक्योर करने के लिए कि चलो मैं आपसे लीज पे लूंगा ये पेमेंट टोकन मनी रखो अपने पास तो ये डीपी ये टेक्निकली क्या है डीपी लेस इंसेंटिव रिसीव इंसेंटिव रिसीव किया था हाँ और क्या आएगा ड बदल ऐसी वन सेकंड इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट भी हम ऐड कर रहे हैं आरओयू -E में क्यों कर रहे हैं क्योंकि अगर मैं आज लीज पे नहीं लेता तो मेरा डायरेक्ट कॉस्ट नहीं लगता डायरेक्ट कॉस्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं लीज पे ले रहा हूं मतलब ये ये आपकी कहीं ना कहीं क्या है अवॉइडेबल थी अवॉइडेबल थी ना अगर मैं लीज पे नहीं जाता तो मेरा यह खर्चा भी नहीं आता एक सेकेंड नीचे आइए नीचे आइए ये, ये रहा इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट मिल गया इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आर डिफाइंड एज इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑप्टेनिंग लीज दैट वुड हैव नॉट बीन इनकर्ड इफ द लीज हैज नॉट बीन ऑप्टेंड लीज अगर नहीं मिलती तो हम वो खर्चा भी नहीं करते एक्सेप्ट फॉर सच कॉस्ट इन कर्ड बाई मैनुफैक्चर और डेलर डीलर लेसर इन कनेक्शन विद पॉइंट मत समझेगा अभी मैं अभी नहीं समझा पाऊंगा जब हम डीलर लेसी में जाएंगे लेसर में जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वो चीज क्या बोल रहा है हाँ अब इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं कमीशन आपने अगर पे किया किसी एजेंट को अगर आपने उसको अगर किसी एजेंट ने आपको लीज करके दिया लीज लेके दिया लीगल फीस रिजल्टिंग फ्रॉम द एग्जीक्यूशन ऑफ द लीज अरे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह lease documentation preparation cost incurred after the execution of the lease certain payments to existing tenants to move out existing tenants to move out uh, सीधी बात है रेडी टू यूज करने के लिए भाई पहले से ही कुछ रह रहे हैं उनको पेमेंट कर दिया उनको कंपनसेशन करने के लिए ताकि मेरे को लीज पर मिले ठीक है और consideration पेड़ for a guarantee of a residual value by an unrelated third party ये क्या है कंसिड्रेशन पेड फॉर अ गारंटी और वैल्यू बाय अनिलेटेड थर्ड पार्टी अरे थर्ड पार्टी ने गारंटी दी थी उसको निपटाना उसको कंसिडरेशन पे किया कि तू निकल इस तू बाहर निकल मेरे को लीज पे चाहिए आया जन में कि नहीं तो थर्ड पार्टी को सेटल करने का पेमेंट अंडरस्टूड और नॉट तो ये सारे के सारे पेमेंट्स तुम्हारे क्या होंगे इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट बनेंगे और इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है आज के बाद अगर तुमसे कोई पूछे कि इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या होता है लेसी की बुक्स में तो आप बोलोगे कैपिटलाइज करते हैं यू असैट में क्या करते हैं यू असेट में क्या करते हैं कैपिटलाइज क्योंकि ये जब जितने भी खर्चे वो सब तुम्हारे लीज पर लेने के तुम्हारे राइट टू तो यूज करने के रिलेशन में हो रहे हैं तो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इज ऑलवेज टू बी कैपिटलाइज टू दर ओ यू असेट अंडरस्टुड हाँ, अभी रुक जाओ आर ओ यू असिट किसपे आती है कॉस्ट पे कॉस्ट में क्या क्या आता है फिर से बोलना कॉस्ट में क्या क्या आता है वो लीज लाइब्रेड जिसपे मेजर हुई है वो लीज मेजर हुई है वो नहीं एक क्या करते हैं उसको भी खुल के बोलते हैं एसेट बी एट कॉस्ट कॉस्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग लीज पेमेंट यही था ना हा प्लस डीपी एनी पेमेंट मेड एट और बिफोर द कमेंसमेंट तीसरा इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट बोलो ना चौथा पढ़ो मजा आ जाएगा याद आ जाएगा था ये इनिशियल एस्टिमेट कॉस्ट वी इनकर्ड बाई ले इन डिस्मेंटलिंग एंड रिमूविंग द अंडरलाइंग एसेट कुछ याद आ रहा है डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग द अंडरलाइंग एसेट इंडिया 16 में कॉस्ट में तीन चीजें होती थी परचेस प्राइस इंक्लूडिंग नॉन रिफंडेबल टैक्सेस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग द एसेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन और तीसरी होती थी डिस्काउंट प्रोविजन डिस्काउंटिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग जो आज से 20 साल बाद 30 साल बाद जब मैं एसेट को छोड़ूंगा तो मुझे साइट को रिस्टोर करना पड़ेगा उसका कॉस्ट तो ये वही तो आएगा जब मैं लीज छोड़ दूंगा तो लीज छोड़ने पर हो सकता है मुझे कुछ डिसमेंटलिंग कॉस्ट करनी पड़े मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं अलग तो अलग ये इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं डीमिशनिंग हमेशा में होता है decommissioning. Dismantling, building का वगैरह रिस्टोरेशन सब तो ये भी प्रेस्ट प्रेस्ट है बिल्कुल बिल्कुल एट प्रेजेंट वैल्यू एट पीवी हाँ हाँ गाइस बोलो यहां तक क्लियर है कि नहीं हम्म hmm? एक काम करो मुझे एक क्वेश्चन करके बताओ कुछ क्वेश्चन डिस्कशन तो करेंगे बट उससे पहले मुझे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स सॉल्व करके बताओ एंटिटी एल इंटर्स इंटू अ लीज फॉर टेन ईयर्स विद अ सिंगल लीज पेमेंट पेबल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर द इनिशियल लीज पेमेंट इज वन लैख रुपीज लीज पेमेंट विल इंक्रीज बाय द रेट ऑफ लेबॉर ईच ईयर क्या लेंगे हाँ एट द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज लेबॉर इज़ टू परसेंट मतलब हर साल कितना कितना होगा पहले साल एक दूसरा एक लाख दो हज़ार ऐसे करके बरता जाएगा अज्यूम दैट द इंटरेस्ट रेट इम्प्लेसिड इन द लीज इज फाइव परसेंट हाउ द लीज लाइबिलिटी इज इनिशियली मेजर क्या क्वेश्चन है कुछ भी नहीं है जल्दी बताओ एक लाख दो हजार फिर एक लाख दो हजार के बाद एक लाख चार हजार चालीस रुपये है न फिर एक लाख छ हजार एक सौ इक्कीस रुपये एक लाख आठ हजार दो सौ फोर्टी थ्री रुपीज वन लाख टेन थाउजेंड फोर हंड्रेड एट रुपीज ऐसे करते 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 दस साल का लिस्ट लगा लेंगे फिर उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे किस पे फाइव परसेंट पे तो वो क्या आ जाएगा लीज लाइबिलिटी और यही लीज लाइब्रिटी आर ओ यू असेट भी क्रिएट करेगा क्योंकि आर ओ यू असेट में क्या आता है लीज लाइब्रिटी का मेजरमेंट प्लस एक्स्ट्रा चीजें एक्स्ट्रा चीजें इसमें है ही नहीं अरे बोलो यार हा अगर वो पी एंडल पी एंडल में जाएगा आर ओ यू असेट आपने बुक किया और आपने लीज लाइब्रेरी बुक किया अलग अलग वैल्यूज पे बुक होगा तो जो भी डिफरेंस आएगा वो पेंडल में जाएगा ठीक है टेल मी क्लियर एक क्वेश्चन अभी ये भी एक बार ट्राई करके देखो प्लीज एक क्वेश्चन ये भी ट्राई करके देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन Yes, tell me. Entity Y, Entity Z executed 12-year lease of a rail car with the following terms on January 1, 2016. The lease commencement date is 1st February. acha ye commencement date ho gayi to 1st January क्या होगा? Inception? ye inception date ho gayi na ठीक है, Entity Y must pay Entity Z the first monthly rental payment. अच्छा, Y बन गया मतलब lessor, rental pay कर रहा है ना? और Z बन गया lessor. सर कैसे मालूम पड़ा लिखा है ना भाई वाई मस्ट पे जेड द फर्स्ट मंथली रेंटल पेमेंट रेंटल पेमेंट कौन पे कर रहा है वाई तो वाई कौन बन गया लेसी क्या पे कर रहा है दस हजार अपॉन द एग्जीक्यूशन ऑफ द लीज अच्छा ये डीपी है ये दस हजार क्या है डीपी दिस इज योर डीपी वाई आई कैन से इट इज अ डीपी अपॉन द एग्जीक्यूशन ऑफ द लीज उसने फर्स्ट पेमेंट दे दिया उसने फर्स्ट मंथली पेमेंट ठीक है जेड विल पे एंटिटी वाई पचास हजार कैश इंसेंटिव माइनस होगा Cash incentive to enter into the lease payable upon the lease execution. Entity Y incurred rupees 1000 of initial direct cost. These are plus ROU a which are payable on 1st feb feb uh, February. Entity Y calculated the initial lease liability at the present value of lease payment discounted using incremental borrowing rate because the rate of implicit lease could not be readily uh, determined. The initial lease liability is 8,50,000. How would the lessee company measure and record this lease? किस पर मेजर रिकॉर्ड करोगे आर ओ यू असेट को किस पे मेजर करोगे आठ पचास लीज लाइब्रेटी पे और क्या रहेगा प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट माइनस इंसेंटिवस प्लस सॉरी प्लस डीपी माइनस इंसेंटिव और प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट कितना रहेगा एट लैख 11,000. थाउजेंड एंट्री क्या करेंगे आर ओ यू असेट अकाउंट डेबिट एट लैख 11,000. थाउजेंड टू लीज लाइबिलिटी बोलो पी डेबिट कितना थर्टी नाइन ठीक है क्लियर बोलो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट हो गया अच्छा कंपनी एच लीजेस एन एयरक्राफ्ट फॉर अ पीरियड ऑफ फाइव ईयर प्लैंड चेक आफ्टर एवरी वन थाउजेंड फ्लाइट आवर्स ओके एट द एंड ऑफ द लीज एनटीडीएच मस्ट है चेक परफॉर्म्ड और रिफंड कॉस्ट लेरिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल नंबर ऑफ फ्लाइट आर्स भैया लीज खत्म होने के बाद चाहे तूने वन लैक फ्लाइट आर्स लिया है चाहे नहीं लिया है तेरे को एक खर्चा करना ही पड़ेगा क्या चेक परफॉर्म्ड वॉट आर द लीज पेमेंट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग आर ओ यू असैट बोलो हाँ? नहीं है एम्बर्समेंट नहीं होगा क्यों लीज टर्म खत्म होने के बाद उसको एक चेक परफॉर्म करना पड़ेगा उसकी कोई खर्चा आएगा तो ये डिसमेंटलिंग रिस्टोरेशन वाली खर्च खर्चा की तरह माना जाएगा हाँ एट द एंड ऑफ द लीज तो हम बोलेंगे कि लीज पेमेंट लीज पेमेंट आएगा आर ओ यू सेट में प्लस आपका डिसमेंटलिंग कॉस्ट ये सब आएगा ठीक है फाइनल चेक वाला आएगा ठीक है टेल मी गाइस क्लियर Ah, question number nineteen. Question number nineteen. Entity Q enters into a seven-year lease for a piece of machinery. The contract sets out the lease payment as follows: If Q uses the machinery within a given month, then an amount of two thousand accrues for that month. If Q does not use the machinery within a given month, अमाउंट ऑफ वन थाउजेंड अक्रूज फॉर दैट मंथ अच्छा यूज कर रहा तो दो हजार रुपए यूज नहीं कर रहा तो भी कम से कम एक हजार रुपए लेंगे वॉट इज कंसिडर्ड एज अ लीज पेमेंट इन दिस केस अपने को दो आंसर देने पड़ेंगे अगर ये सिचुएशन है तो ऐसा वगैरह इस तरीके से मिनिमम वन थाउजेंड तो देना ही देना है हाँ अनडेबल तो वन थाउजेंड हुआ फिक्स वाला वन मतलब इन सबस्टेंस फिक्स पेमेंट बिल्कुल बिल्कुल बाकी तो भी वो डिपेंड करता है अब उसमें भी वही है कि अगर वो बोलता है कि भाई मैं मशीन तो यूज़ ही करने के लिए लिए यार ऑब्वियसली मैं तो यूज़ करूँगा ही करूँगा मेरा मुझे पता है कि मैं यूज़ करूंगा ही करूँगा तो जो एक हज़ार एक्स्ट्रा है वो भी तो कहीं ना कहीं आपके लीज पेमेंट का पार्ट बन जाएगा आप ये थोड़ी बोलोगे कि नहीं यार ये वेरिएबल हो गया नॉट बेस्ड ऑन इंडेक्स और रेट क्योंकि कभी कभार ऐसी सिचुएशन आएगी कि आप इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट को वेरिएबल पेमेंट बेस्ड ऑन इंडेक्स रेट के से कंपेयर कर मतलब आप उलझोगे कि यार वो वेरिएबल है कि इन सब्सटेंस है क्या है तो यहां पर क्या माने अपन के, के तो ये इन सब्सटेंस है इंडेक्स वाला तो है ही नहीं बट नॉट डिपेंडिंग ऑन इंडेक्स वाले सिचुएशन भी तो आ सकती है ना नॉट डिपेंडिंग ऑन इंडेक्स एंड रेट्स वो तो फिर इंक्लूड नहीं होगा तो यहां पर पहले हमने को ये सोचना है कि जो एक्स्ट्रा वन थाउजेंड रुपीज है क्या वो भी अनेबल है क्या क्यों क्योंकि मुझे पता है मैं तो यूज करूंगा ही करूंगा इफ इट इज सर्टेन दैट आई विल यूज द मशीनरी देन इट इज अन फॉर मी

क्यू मे नॉट यूज द मशीनरी नहीं उसने क्वेश्चन को देखकर अजमकर लगा लिया कि अच्छा कंडीशन ही ऐसी दिख रही है इफ एक सेकेंड द कॉन्ट्रैक्ट सेट आउट द लीज पेमेंट एज फॉलोज इफ क्यू यूज द मशीन विथ हा विद इन अ गेवन मंथ अगर तुम गिवन मंथ के अंदर अंदर यूज कर रहे हो तो मतलब अभी इमीडिएटली कर रहे हो तो मुझे तुम्हें पे करना पड़ेगा दो हजार पर अगर तुम विद इन अ गिवन मंथ नहीं कर रहे हो फिर तुम्हें एक हजार देना पड़ेगा हा हा तो यहां पर यह है कि भाई हो सकता है क्यों विद इन अ गेवन मंथ यूज ना भी करे हाँ पर तो भी उसको मिनिमम तो से मिनिमम कितना देना पड़ेगा हजार तो हजार ही होगा सिर्फ इन सब्सटेंस। यस यहां पे इंटरप्रिटेशन अपन ने जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो कुछ और था इफ क्यू यूज द मशीनरी विद इन अ गिवन मंथ नॉट डू नॉट यूज द मशीनरी विद इन अ गिवन मंथ इसको सिंपली ऐसा मानो कि जैन का फर्स्ट डेट चल रहा है अभी अगर तू पाँच जनवरी के अंदर अंदर ले लेगा है ना इवन पाँच भी नहीं दस जनवरी के पहले पहले अगर तूने ले लिया तो मैं तेरे से दो हज़ार रुपये मांगूँगा मैं मानूंगा कि पूरा महीना तू यूज़ कर रहा है पर अगर तूने दस जनवरी के बाद लिया मतलब तूने पर्टिकुलर पर्टिकुलर डेट के बाद लिया तो मैं तेरे से दो चार्ज नहीं करूँगा मैं तेरे से एक ही चार्ज करूँगा ऐसा यहाँ पर मिनिमम वन थाउजेंड तो चार्ज हो ही रहा है चलिए अब एक काम करिएगा आपको मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन ये आप एक बार खुद एक बार देख लीजिएगा ट्वेंटी टू अपन इसको ज़रूर डिस्कस भी करेंगे ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर नहीं एटीन नहीं वो शायद नॉन लीज कॉम्पोनेंट का है ठीक है ना तो 24 तक एटीन मत करिए एटीन अभी समझ में आ जाएगा बट प्रॉपरली तब समझ में आएगा जब मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा तो so, ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी फोर नहीं ट्वेंटी फोर तक ट्वेंटी फोर तक आपको रीड करना है ठीक है क्लियर चलो बाकी अपन अगली क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे ठीक है ना अगली क्लास में थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा रहेंगी है ना डिस्कशन बेस्ड चीज़ों के साथ साथ प्रैक्टिकल चीज़ें रहेंगी साथ साथ है ना ठीक है कैलकुलेटिव बेस्ड चीज़ें रहेंगी चलो थैंक यू सो मच बाय बाय जय माता दी अल्लाह हाफिज़